Well, ladies and gentlemen, may I come in? Assalamu alaikum, welcome, bismillah, pakhair, raghle, ji ayanu. Tamam, muazziz, mehmane, gram, yukum, idr, say, assalamu alaikum. It's me, RJ. कौन सा RJ है जो इस वक्त आपके बीच में तशरीफ ला चुका है? कौन है जो आपके दिलों की खिड़कियों की खिड़कियों के साथ साथ आप लोगों की फीलिंग्स को भी जो ओपन करने वाला है? मैं आपका प्लम्बर, आपका डेंटिस्ट, आपके लिए एक हसीन सा शो लेकर आया हूँ. इट मींस मैं RJ साहिली जा. तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, पूरे एक दिन के तवील अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात करने का जो मौका है हमको मिल चुका है. तमाम लोगों को वेलकम करते हैं आज के इस ग्रैंड शो में, जहां सब कुछ मिलता है. दही चीनी से लेकर आटा चाय पत्ती सब कुछ का इलाज यहां से आपको मिलता है. तो आज को आप वेलकम करते हैं दोबारा से शब गप में, जो कल भी हम गुजार चुके हैं और आज भी, और हम लोगों ने ये गुजारा. बट एज पर कमिटमेंट आज हम करने जाएंगे एक बहुत ही ग्रैंड शो, एक ऐसा शो जो कि आपकी जिंदगी में एक और अहम पलों को समेटने वाला है. इट मीन्स वी आर गोइंग टू गिव यू अ वेरी बिग शाउट आउट अबाउट द बिगेस्ट एक्टिंग शो On FM 101. इस शो के अंदर हम सब लोग अपने अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करके हम आज का एक तमगा लेकर जाते हैं. अब हाल कुछ यूं हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग गई. मैंने जबान की थी आप लोगों से, उस जबान को पूरा करने के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा और फाइनली आप लोगों के बीच में आज आ गया. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं इसके ऊपर कंप्रोमाइज कर जाऊंगा, बट फाइनली ऐसा नहीं हुआ. अंदर के आरजे ने बोला कि खैर है, कुछ भी हो जाए, आप लोग आपने जो एज पर कमिटमेंट चलना है अपने जो फैमिली के साथ वो आपको करना है. तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आ चुका. आपका मेरा साथ रहेगा करीब 12 बजे तक. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जंग, मुल्तान, सर गोदा, लाहौर, जहां जहां से मुझे सुना जा रहा है उन तमाम लोगों को वेलकम करता हूं आज के शो में. क्वेटा, कराची से लेकर कश्मीर तक जनाब जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद होने का. और फाइनली आई एम अबाउट टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सब लोग जो नंबर है उसको याद रखिएगा. The dial number is very simple. बड़ा आसान सा है. That is 051-111-000-101 and 051-920-2540. इस नंबर को अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े हर जगह लिख लीजिए, क्योंकि आज इस नंबर का बहुत सही इस्तेमाल होने जा रहा है. इट मीन्स कि आज हम इस ग्रैंड एक्टिंग शो को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अंदर डेफिनेटली मैडम सरफरानी का भी एक कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने बड़ा अलाउ किया था हमें और हम इसको बड़े इजीली कंफर्टेबली ये कर लेते हैं. और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें. इट्स अ ग्रैंड एक्टिंग शो जहाँ पर आप लोगों की जो स्किल्स हैं उसको डिवेलप किया जाता है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोगों को उसको सुनने में और फील करने में ज़्यादा अच्छा लगता है. वैसे तो ये प्रोग्राम मैं जो सेटल करता हूँ वो होता है वीकेंड्स पे, पर वीकेंड्स के शो मुझसे ले लिए गए हैं और अब सिर्फ ये 2 दिन है, तो मुझे इस 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा अच्छी बेस्ट एंटरटेनमेंट देनी है. उसके लिए डेफिनेटली आई हैव टू सर्व. तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए. 051-111-000-101 and 051-920-2540. आपके तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक स्पेस दे रहा हूं. राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी, कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर. मैं जल्दी से अपनी तैयारी कर लूं, आप लोग भी तैयारी करके कंप्लीट हो जाए. FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए फेसबुक पे और इंस्टा और ट्विटर पे लिखिए FM 101 PBC और जल्दी से शामिल हो जाइए आज के इस कमाल से शो में. मेरी देखिए सोच के मैं आपसे क्या चाहता हूँ. इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. तेरे इश्क की
सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ तेरे इश्क की। Ladies and gentlemen, लो मैं आ गया। जी मैं आज सारे जल्द आपका साथ देने वाला हूँ करीब 12 बजे तक, और आज हम करने जा रहे हैं ग्रैंड एक्टिंग शो, जहाँ पे आप तमाम लोगों का साथ मुझे चाहिए। मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। फाइनली आप लोगों का जितना ज्यादा साथ मेरे साथ रहेगा, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम इस शो को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा पाएंगे। पर उसके लिए डेफिनेटली आप सब लोगों को कॉल और नंबर पे अपना जो प्रेशर है उसको हाई रखना पड़ेगा। अरे हमको ना छेड़ो, हम सच में सताए हुए हैं। अब हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-0101। कितना सिंपल है, दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आज तमाम लोगों को ये याद भी हो जाए और वो सेव भी कर लें। सो 051-111-0101 and 051-920-2540। इस नंबर पे कॉल करके आप सीधा आज तशरीफ ले आएंगे इस ग्रैंड एक्टिंग शो में, जहां पे आप लोगों के सबर और एक्टिंग का इम्तिहान लिया जाएगा और देखते हैं कि कौन कौन किस किस अंदाज में क्या क्या गुल खिलाता है। तो मुझे आप तमाम लोगों को यहां पर देखना है और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कीजिएगा, ताकि हम आज के इस दिन को और आज के इस मोमेंट को, आज के इस शो को और बेहतर तरीके से सजा सके। और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जब कंट्रीब्यूशन होगी तभी जाकर हम आज को और अपने ये जो टैलेंट है पाकिस्तान को उसको देख पाएंगे। तो आप हमें डायल करके फौरन से पहले अपना फीडबैक दीजिए 051-111-0101 and 051-920-2540। ये ग्रैंड एक्टिंग शो सिर्फ लाया जाता है आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने के लिए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए। ऐसा मौजूदा जी अक्सा वहीद फ्रॉम मैसेज आ चुके हैं इस्लामाबाद से, और साल भाई यूर द ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। अरे दैट्स सो ग्रेट, सो ग्रेट, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। अक्सा वहीद फ्रॉम इस्लामाबाद, भाई आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय यू, थैंक यू वेरी मच। So really, I'm also impressed by your messages, and your messages really give me a very big source of motivation, and I feel very better and very calm. So thank you very much for this great source of motivation for me. जनाबे अली, आप लोगों के पैगामात और आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, इन सबको मैं पैरेलल लेकर चलना चाहूंगा, पर उसके लिए डेफिनेटली आई वांट एवरीवन के तैयार होकर आ जाइए और फौरन से पहले इस ग्रैंड एक्टिंग शो का हिस्सा बनिए। 051-111-0101 and 051-920-2540। नच दिया कन्ना विच पाया होया वालिया, कन्ना विच पाया होया वालिया।
से पहले हम कॉल्स की तरफ जाएं, मैं कुछ मैसेज रीड करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा आज कंट्रीब्यूट कर पाएं ताकि हम मुझे थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएं आप, और अच्छी अच्छी एक्टिंग करनी है, अच्छी अच्छी प्रेजेंस शो करनी है आप लोगों ने, ताकि हम लोग देख सकें कि आखिरकार पाकिस्तान में कितना टैलेंट छुपा है। तो इधर हमें कॉल्स उठाएंगे, रिसीव करेंगे, पर उससे पहले डेफिनेटली आई वांट टू रीड सम मोर मैसेजेस। Prisa from Islamabad, Assalamualaikum ji, kya haal hai, bilkul theek hai. Ladies and gentlemen, fasten your seat belts because aaj is Ali Jaz is here. Really, it is to entertain us. Now, ladies and gentlemen, may I come in? Bada acha likha hai, waise Prisa aapne. Thank you. उस्मान ततराल हमारे साथ मौजूद हैं जी, वेलकम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जी नाजिम रानी चकवाल से बात कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक आज जी। हाँ जी, एग्जैक्टली वो कब आएंगे मुझे उसका आइडिया नहीं है बेटा। उसके बाद जी नुमान कहूटा से अपना जो कॉलिंग नंबर, एग्जैक्टली मैं नंबर बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, 0511-111-0101 and 0519-202-540। आसिफ शाह हमारे साथ मौजूद होने का बहुत शुक्रिया, और साबिर वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू हमारे साथ मौजूद होने का। सॉन्ग की फरमाइशन चला थोड़ी देर बाद इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नायला फ्रॉम जकवाल। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुझे बेटा किसी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझसे मेरे बारे में जितना पूछना पूछ लो, बट लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे नहीं होती, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो मुझे उसे बुलाया जाता है, उसके अलावा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, अब पीछे ट्यून लगा के बताऊँ क्या। उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं यासमीन चकवाल से, और कह रही हैं कि कह रही हैं गुड सर, ठीक है ठीक है, अगर बंदा किसी से, अच्छा सवाल पूछो जी, अगर बंदा किसी सर अगर बंदा एक बंदे को बहुत लव करता हो और कोई परवाह और दूसरा उसकी परवाह कोई ना करे तो क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए बेटा, हाँ, और सही चीज़ की तलाश करनी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंडेंट कि वो डी लाइक सवाल अच्छा किया तो बैकग्राउंड ना तो मज़ा नहीं आएगा, तो चले साथ साथ बात के मज़ा लेते हैं। तो द पॉइंट इज कि जो आपने बोला उसके अंदर कुछ शक नहीं है, अपनी कोशिश बस जारी रखिए। इस पॉइंट पे इंसान ये कर सकता है, अगर ये चीज़ की प्योरिटी है इस लव में, कहीं ना कहीं प्योरिटी है, साफ है, शफाफ है, अच्छा है, पाक है, तो इसको जारी रखना चाहिए, उम्मीद कम कर लेनी चाहिए और बस अपनी वन टू वन, अपनी वन साइडेड लव को ऑन करना चाहिए, क्योंकि इस पर सिर्फ आपका हक है। वन साइडेड लव में इसके ऊपर आपका हक है, क्योंकि इससे आपको कोई हरा नहीं सकता। उससे उम्मीद करेंगे तो फिर शायद कहीं कुछ चीज़ आपको रोक देगी, टोक देगी, पर अपनी तरफ से जो आप दे रहे होंगे वो आपका बेस्ट होगा। जब अपना बेस्ट देते रहेंगे तो वो इंसान पिघले ना पिघले, आपका फ़ख्र हमेशा सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रहेगा। तो हमें आपके सर को बुलंद करना है, आगे जमाना जो करता है हमें उसको थोड़ा सा इग्नोर ही करना है, अपनी साइड बेस्ट करनी है, अपने आप को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना है, और जब वो हो जाएगा तो फिर कंफर्टेबिलिटीज और ये सब चीजें हमारे साथ बैठ के भंगड़ा करेंगी। उम्मीद समझ आ गई, आगे चलते हैं जी इशफाक, हाँ इशहाक अफरीदी सर, थैंक यू वेरी मच आपका हमारे साथ मौजूद होने का। ईशा और राजिया हमारे साथ मौजूद हैं जी कुरेशाबाद से, और क्या फर्स्ट टाइम मैसेज किया है जी, वेलकम करते हैं शो में। अच्छा इसे कर दिया जी, ईशा वेलकम, राजिया वेलकम। उसके बाद जी हफ्जा हमारे साथ मौजूद है गुजर खान से, बेटा मुझे कुछ नहीं आइडिया। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं त्रे रवान साहब से, बहुत शुक्रिया, मौला आपको याद रखे सर, मौला आपको भी याद रखे। फलक फ्रॉम पिशावर भाई, आपका शो हम सच में, अच्छा सच में ऐसा है क्या, बहुत शौक से सुनते हैं और तमाम वफा करने वालों को सलाम दे रहे हैं, अच्छे जी दिल के, अरे क्या बात है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0511-111-0101 और 0519-202-540। और
हम लेते हैं कॉल्स, कुछ देते हैं। कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? अरे फरीसा, कैसी हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी? ग्रेट। परीक्षा आज भी तैयार हो आप? जी, आज बैंक करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल रॉक करने के लिए। हम तैयार हूँ, तैयार हूँ। अच्छा तो बताओ क्या करें फिर आज? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ। फिर भी कुछ दिमाग तो लगाओ ना कि जी आज मेरा दिल कर रहा है मैं ये करूँ कुछ अलग। कुछ भी दे दो, मुझे स्क्रिप्ट नहीं आती। अच्छा तो मुझे तो फनी करोगी, सीरियस करोगी? कोई भी करोगी? चलो ठीक है, ऐसा है कि मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे कोई बहुत बड़ी टेंशन है। आपने मुझे हंसाने की कोशिश करनी है, मैं आपका भाई हूँ और मेरा मूड खराब है। आपने आके देखा है और अब आप मुझे हंसाने की कोशिश करोगी तो आपने ऊट पटांग हरकत करनी है कि मैं हंस जाऊं। डन। हाँ कुछ ऐसा करना है कि मैं हंस पड़ू। डन, एग्रीड हो ना? तो जी परीसा आ चुकी है हमारे साथ, द वेरी फर्स्ट एक्टर, और देखते हैं आज वो क्या करती हैं। तो 1 2 3 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। बस बहुत तंग हूँ मैं, तुम्हें बता। हाँ अभी नहीं डंडे मारे हैं, बस कुछ ऐसे ही। कई बार लफ्जों के डंडे ज्यादा सख्त हो जाते हैं। बेटा अम्मी आ गई क्या? सो फाइनली ये होता रहेगा। अरे बेचा बच्चा बच्चा, आपका नंबर कट गया या बैलेंस मुझे नहीं आइडिया, बट जो हुआ सही वक्त पे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहां से? कश्मीरी इस्लामाबाद। अरे सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं आज क्या हो रहा है? अभी लेटे हुए थे। अच्छा नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा आप लेटे हुए हैं, ठीक है अच्छी बात है, पर मुझे बताइए आज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बैठे हुए। अरे जालिम इंसान, मैं पूछ रहा हूँ शो में क्या हो रहा है आज? शो में हम क्या कर रहे हैं? शो में आप मैजिक कर रहे हैं। वेरी गुड, हम मैजिक कर रहे हैं। तो मैं आपको जादूगर लगता हूँ? हम एक्टिंग शो कर रहे हैं भाई, एक्टिंग शो। जी जी, मैंने अभी थोड़ा सा सुना था बस, मैंने दूसरी कॉल लगा दी। अरे वेरी गुड, तो मुझे बताइए कि आप आज क्या एक्टिंग लेकर आए हैं हमारे लिए? आपने कुछ स्क्रिप्ट बताना है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर हम आपसे एक्टिंग करवाएंगे और आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। डन करें तो हम उसके मुताबिक। अभी मुझे आप कुछ भी बता रहे हैं, आप मुझे बताओ सीरियस अच्छी कर सकते हो या रोमांटिक या हंसी मजाक? हंसी मजाक। हंसी मजाक अच्छा कर लोगे? ठीक है ऐसे करते हैं, पहले हंसाते हैं, ठीक हो गया? एक मिनट के अंदर आपने मुझे अगर ना हंसाया मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। आप ऐसा करें कि आप गली से जा रहे हैं और मेरी आपके साथ टक्कर हो गई है और मैं गुस्से में हूँ, आपने मुझे हंसाना है। डन। ऐसा मूड ट्विस्ट करना है, ऐसा मूड ट्विस्ट करना है कि वो चीज बदल जाए। आपने एक लाइव, क्योंकि अमूमन जब हम ऐसे जा रहे होते हैं टक्कर लगे तो हम गुस्सा करते हैं, तो आपने वो गुस्सा नहीं करना, तो मुझे उल्टा हंसाना है, तो देखते हैं आप क्या करते हैं। डन। गुस्सा आपको आ रहा है या मुझे आएगा? मुझे आएगा, पर आपने एक अच्छा जो है पाकिस्तानी होने के नाते मुझे नॉर्मल करना, मुझे हंसाना है, तो एक न्यू ट्रेंड आपने बेसिकली लॉन्च करना है। डन, समझ आ गई? एक मिनट के अंदर अगर आपने कर लिया तो डन, नहीं तो हम आगे जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी इन 3 2 1। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी भाई, तुमने बदतमीज इंसान, टक्कर क्यों मारी तुमने मुझे? सॉरी सर, आप लड़की समझकर भूल जाएंगे इस बात को। क्या फजूल बकवास कर रहे हो यार? तुम्हें मैं पहले किसी मुश्किल और टेंशन में था, ऊपर से तुमने क्या कर रहे हो यार? क्या तुम्हारी तालीम क्या ऐसे चलता है कोई? मेरी तालीम बस आप अनपढ़ समझ रहे। अनपढ़ जाहिल, तभी ऐसी हरकत की है तुमने। सर आपकी क्या तालीम है? अरे जाओ यार, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगता। अच्छा चेंज करते हैं, लड़का जो है कह रहा है कि ये तो मेरी पक्की पक्की ठुकाई हो गई है। वेरी गुड जी, आपने वैसे हंसाया नहीं, हंसाया ऐसे हंसा दिया।
वेरी गुड, यू डिड अ ग्रेट जॉब. होता है कभी कभी होता है, ठीक है. दोबारा प्रैक्टिस करके आना और मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, कोई है क्या? आपको आवाज आ रही है? शायद कोई नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, साहिर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन कहाँ से? मैं फहीम बात कर रहा हूँ गुजरात से. अरे सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. पता है सर शो में क्या हो रहा है आज? जी जी पता है, बिल्कुल पता है. सर बिस्मिल्लाह करें सर. जी शुरू करें. तो सर मुझे बताइए कि आज आप क्या करने वाले हैं? एक्टिंग शो करने वाले हैं. क्या करने हैं? दिक्कत नहीं कर रही ना. अरे सर वो तो मुझे अंदाजा है, पर आप क्या मतलब क्या प्लान लेकर आए? मैंने कहा आपको हंसाना है जरा सा. मुझे हसाना, ठीक हो गया. तो कंडीशन आप देंगे या मैं दूंगा? आप दें, ठीक हो गया. आप रेडी वाला बनना चाहेंगे? कौन सा वाला? रेडी वाला. चले बन लेते हैं, ठीक हो गया. आप रेडी वाले हैं और आपके पास बहुत सी सब्जी हैं. मैं आके रेट पूछूंगा और कम से कम बोलूंगा और आपने मुझे जुगती स्टाइल में काउंटर करना है, ठीक हो गया? ठीक हो गया. चलो डन करते हैं जी. हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मुल्क के नामवर फरकार और देखते हैं आज वो क्या करते हैं. तो 1 2 3 एक्शन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, साहिल कैसे हो? ठीक ठाक. अरे भाई नाम पता है तुम्हें मेरा? हाँ जी, तुम तो रोजाना सब्जी लेते हो. अरे अरे यार कैसे हो, ठीक हो? अच्छा बताओ आज टमाटर के क्या रेट लगाए यार तुमने? टमाटर का वही जो कल वाला था, पर सिर्फ 10 रुपए ज्यादा. अच्छा मतलब 10 रुपए का दे रहे हो? कल तो मैं फ्री लेके गया था तुमसे. वही तो बोला ना, 10 रुपए ज्यादा लगे. 10 रुपए ज्यादा? रोजाना फ्री तो नहीं दे सकता यार. यार कुछ शर्म करो यार, पहले तो तुमने मुझसे आज तक रुपया तक नहीं मांगे. तो छोड़ो, मुझे बताओ ये बैंगन किस तरह दिया तुमने? बैंगन किस तरह बोले, डाल दूंगा. बैंगन ऐसा करो तुम -5 रुपए किलो कर दो, मतलब तुम्हारे पास 5 रुपए उधार रह जाएगा. और हाँ शापर नया चैनल आया, नहीं समझ आई? हाँ शापर में डाल दो. शापर मना कर दिए? तो फिर ऐसा करो अपनी आगे से जो कमीज है उसको फाड़ के उसी का लिफाफा बना दो और मुझे दे दो यार. नहीं मेरी तो आगे कमीज फटी हुई, आप फाड़ दो. मैं आपकी कमीज फाड़ दूं? अपनी अपनी तुम्हारी. अरे यार मैं तो शर्ट पहनी है. तो क्या हो गया शर्ट की, तुम फाड़ दो. अच्छा छोड़ यार, मेरा बैंगन लेने का प्रोग्राम कैंसिल. अच्छा बताओ ये किस तरह लगाए हैं कद्दू? किस तरह लगाए यार कद्दू? ये जो है ना धुलाई करके लगाए हैं. धुलाई करके लगाए? हाँ. ये कद्दू है या गंदे बच्चे हैं धुलाई करके लगा दिए? तो गंदे हुए थे ना, उनको साफ करके धुलाई करके मैं उस तरह बता रहा था. अच्छा, अच्छा, अरे नहीं यार सच में, मतलब 2 रुपए कम तो मुझे कितने का देगा? ये तो तुम्हें मिल जाएंगे 80 रुपए किलो. 80 रुपए किलो? 82 रुपए किलो दिए थे ना. बड़े अफसोस वाली बात है यार कि तुम इस दौर में आके इस तरह की बातें कर रहे हो. मैंने तेरे से यार मैं तेरे से सब्जी लेना छोड़ दे रही है. चल छोड़, बता ये केले किस तरह किलो लगाए हैं? यार केले तो मैं किलो में लेने, जितने लेने ले लो, मैं तो दर्जन ले लूंगा. नहीं किलो किस तरह लगाए हैं? छोड़ यार मुझे इतना पता नहीं है, तू बता किलो किस तरह लगाए? 70 रखे किलो. 70-80 रुपए किलो है केले? मैंने कहा पत्थर रखे किलो. अच्छा किलो वाला पत्थर रखा ना? अच्छा अच्छा वैसे देगा तो मतलब किलो में दे देगा ना? नहीं किलो में नहीं दूंगा, दर्जन में दूंगा. चल ऐसे बता ये किन्नू किस तरह किलो है? किन्नू किस तरह किलो है? किन्नू जैसे काटे हुए तो वैसे ही 8 किलो है. यार तुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार मैं तुझे सब्जी लेने आया तो जुगते कर रहा है यार, तू जरा तरीका नहीं है. कस्टमर हूँ यार तेरा मैं. यार तो क्या हो गया, कस्टमर है तो कस्टमर की तरह डील कर रहा हूँ. क्या डन हो गया जी, कस्टमर की तरह डील कर रहा हूँ. फाइनली मैंने आपसे कुछ नहीं लेना. आई एम नॉट. पर यार अब किलो में ही केले भी किलो में दोगे क्या मुझे? यार कल वाला रेट लगा. डर हो गया जी, कल मैं आपसे भी लेने आऊंगा. है दो बंदों का सलाम देना है. दे जल्दी दे सर. वो परिसर का बात है, उसको सलाम. डन. और साइमा रावलपिंडी से उसको सलाम. थैंक यू सर. और एक और भी है, वो याद आ गया. दो क्या के तीन का नाम ले रहा है, जल्दी बोलो. अरशद राही. डन सर, थैंक यू सो मच. Okay, इस तरह के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आज हमें मिलते रहेंगे, पर उससे पहले वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. दिस टाइम चेक डेफिनेटली इज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 101. 10:30 हो चुके हैं, इट मींस के आधा घंटा गुजर चुका है. आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा हमें मैसेज में जाके, पर उससे पहले वी हैव टू टेक अ ब्रेक.
टाइम चेक, इट्स 10:30 PM। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। Ladies and gentlemen, लो मैं आ गया। We are going to take a back-to-back calls. Assalamualaikum. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? फरीसा। बेटा क्या हुआ, उस टाइम चली गई थी क्या? नहीं, वो गलती से बटन पे आ दब गया था। देख लो कितनी गलत बात है, हमारा सारा इमोशन तोड़ दिया तुमने। दोबारा करें? नहीं जी, फरीसा दोबारा आ गई है और ये मुझे हंसाने वाली है। तो 3, 2, 1। चलो फिर रुलाओगी मुझे क्या? चलो रोना रोते हैं। ऐसा करते हैं कि रोने वाला रो लोगी ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। पक्का रो लोगी? वाह, ये तो मेरा रोज का काम है हर वक्त। चलो डन हो गया। ऐसा है कि मैं घर आया हूँ और घर वालों ने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया, बहुत मारा है, और आज तुम कह रही हो कि नहीं भाई मुझे मर जाने दो, मेरा अब दिल नहीं लगता और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और तुमने अपनी इमोशंस और फीलिंग्स का भरपूर मुजाहरा करना है। डन? ठीक है, तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने हैं और तुम्हें कुछ करने नहीं दे रहा और तुमने उसका इजहार अपनी जबान में करना है। डन? चलो अच्छा रोना, ठीक है। 3, 2, 1। हाय बेटा, कैसी हो? क्यों क्या हूँ बेटा, क्या किसी ने कुछ खा? क्या कुछ खाना है तो बताओ, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। एक खाने की मुझे जान मत दो। नहीं, खाना नहीं चाहिए, जो बात बोलो उससे मना कर देते हैं, जो बात बोलो ये कोई जिंदगी है। क्या हो गया? खुदा मौत दे दे। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। और अब बात को समझते नहीं है, जो काम बोलो उससे मना करते हैं, नहीं ये नहीं करना। अब क्या करें, मर गए। अच्छा ऐसी बातें मत करो, तुम पे ऐसी बातें सूट नहीं करती, मैं अम्मी से बात करूंगा। नहीं फिर अब ये तो नहीं है ना। अच्छा तुम परेशान क्यों हो रही हो? तो गुस्सा आता ना, हर चीज से मना। भाई मेरे भी इमोशन है, मुझे भी रोना आता है। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे रो तो मत। तो क्या करूँ, अल्लाह से शिकायत कर सकती हूँ? चलो बस कर दो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसे करता हूँ, आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ, तुम्हारी फेवरेट वाली। कौन है वो खाना? मेरे हाथों से भी नहीं खाओगी क्या? नहीं, बचपन में तो तुम बड़े शौक से खाती थी। खाती थी अब बस, अब अगर आपको कुछ ना देना तो ज्यादा देना, वही खा लेती। डन हो गया। मैं कौन सा फ्लेवर ला के दूं? जहर का स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट? अरे फरीसा, मुझे लगा ये कि मोबाइल से निकल के मेरे सामने ना खड़ी हो जाए, बोले वेरी गुड फरीसा। यार तू तो छाक हुई यार, मुझे अंदाजा नहीं था फरीसा ये तो कहती बस कभी जरूर नहीं किया है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, आपने कमाल कर दिया फरीसा। वैसे तो आपने कहा यही निकाल देती हूँ गुब्बारा। वेरी ग्रेट परीसा, थैंक यू सो मच। देखते हैं लोग आपको वोट करते हैं या नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच परीसा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से कॉल कीजिए 0511111001 एंड 0519202540। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ। अरे सर कैसे हैं? क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या चल रहा है इस वक्त? अरे वेरी गुड। तो क्या 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 कुछ स्क्रिप्ट लाए हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से?
आप तो पहले से मोशन में है। कौन कहाँ से? सना। जी सना फ्रॉम इस्लामाबाद। जी सना साहब कैसी हैं आप? अच्छा आप गुस्से में हैं क्या? सॉरी आप मतलब एक्टिंग कर रही हैं अभी से या वैसे गुस्से में थी कॉल कर ली? कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है आप गुस्से की कोशिश करेंगी ना? मतलब उसने मानी सर के नहीं आए। बेटा मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, आप मेरे पे मत करना गुस्सा। ठीक है बेटा हमारे साथ और से आइए जी। आज तो सारे के सारे बंदूकें उठा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? अरे सर कैसे हम? ठीक ठाक ठाक ठीक है शुक्र लगे सर। एक्टिंग शो चल रहा है अगर आपको आइडिया हो तो। हाँ बिल्कुल सही है जी, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा सर तो क्या एक्टिंग करना चाहेंगे आप? आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। क्या लगता है आपको, आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। जानोगे सर ऐसा है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपने जो है मुझसे निकलवाना है प्यार से कि मैंने एक चोरी की थी और मैं बता नहीं रहा, तो आपने अपने अंदाज में मुझसे पूछना है, मुझसे निकलवाना है, पर बोलना प्यार से कि मैं प्यार से आपको बता दूं, मारना नहीं है मुझे बस। डन सर, तो फिर शुरू करते हैं और आपने प्यार प्यार से मुझसे निकलवाना है, ठीक हो गया? ठीक है शुरू करते हैं जी। 3 2 1 सर सर मुझे माफ करो अगर जी सर सर नहीं सर प्लीज सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो मेरा हम शक्ल था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आपने मुझे बेगुनाह पकड़ा सर। मैं तुम्हें बेगुनाही पकड़ा है, मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हारी मम्मी डैडी और तुम्हारे सब खानदान वालों को बताऊंगा, तुम्हारी इलाके में बड़ी बदनामी हो जाएगी। तुम पढ़े लिखे बच्चे मुझे नजर आते हैं तो मेहरबानी करो और मुझे सच सच बता दो कि तुमने ये पैसे कैसे किए हैं और क्यों चाहे हैं। सर मुझे माफ कर दे सर, मैंने बिल्कुल कुछ जगह से मेरी अम्मी अबू को बताया कि मुझे घर से निकाल देंगे सर, प्लीज सर। सर प्लीज आ जा मेरे बाल, जिसने लिखा है आ जा मेरे बाल में तेरा इंतजार है, मैं क्या कर रहा हूँ तेरी मेहरबानी इसी इसी तेरे मैं प्यार में बात कर रहे हैं अभी तू जानू ड्रामे लगा पे सर कुछ मैं क्या खिता रहे हैं सर अंदर आ जा मेरे सर प्लीज सर नहीं सर अच्छा सर तू दाग रहे हैं तू दाग रहे हैं तू दाग रहे हैं कि तू चोरी की थी मुझे माफ कर दे सर प्लीज सर मुझे माफ कर सर। आप बहुत अच्छे, आपको आप बहुत अच्छे इज्जतदार लग रहे हैं सर, मुझे माफ कर दे, मैं इज्जतदार घर का इंसान हूँ सर, प्लीज सर मुझे इज्जतदार इंसान है घर के हो, मगर तुम्हारी जो मुझे पता है तुम्हारी मंगनी भी हुई है, तुम्हारी मंगनी भी टूट जाएगी, तो तुम मेहरबानी करो मुझे बता दो आराम से, मीडिया में भी आ जाओगे अखबार में भी आ जाओगे, तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी। डन सर, सर मैं बताता हूँ मैंने क्या चोरी किया है सर। क्या चोरी किया है सर? मैंने किसी का दिल चोरी किया। सर ये सर ये कैसे इतना कमाल, लिटरली मुझे लगा मैं थाने में बैठा हूँ। वेरी गुड सर, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत कमाल, बहुत कमाल सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे लगता है आज आप कंपटीशन में नया रंग लेके आ गए हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर, बड़ा अच्छा लगा। जरा वो जिसके ऊपर लिखा हुआ ना जो भी, वो वही पढ़े रहने दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से? आयजा बात करनी
मेरी से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। अच्छा, आपने मेमोरी बोला, सच में मुझे ठंड का झोंका सा लगा ऐसे। फन नहीं, फन एक्चुअल मेरी से भी। सुबह से यही एक्टिंग कर रही थी कि कैसे बोलूं, नहीं हो रहा था तो। नहीं, आपने बड़ा नेचुरल बोला, अच्छा लगा मुझे, इसमें कुछ नया या अलग बात नहीं थी। इट्स फाइन, वेरी गुड। मुझे बताइए कि आज क्या एक्टिंग शो करने वाली हैं आप? एक्टिंग शो नहीं करूंगी, लेकिन इसलिए कॉल की थी उनका, जब मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे बारे में कुछ पूछना है, पूछ लो। किसी के बारे में कुछ पूछो, किसी और से पूछ लेना। आपको कोई पूछ रहा था ना? अच्छा जी जी जी, मानी भाई के बारे में बता देना चाह रही थी कि वो उनका जुमे और हफ्ते को होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सो स्वीट, सो स्वीट। कुछ तो पार्टिसिपेट करना चाहेंगी आप? जी, सब कुछ ला। नहीं, एक्टिंग शो करना है, ये करने के लिए तो मैंने कॉल नहीं उठाई थी। नहीं नहीं, नहीं करूंगी ना। नहीं, आप तुम्हें तो लग रहा है कॉल ही कर देगी। ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से कॉल कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन कहाँ से? सानिया, हानिया और फिया। अच्छा, तीन लोग एक के अंदर या तीन अलग अलग लोग? इकट्ठी बैठी हुई है। अच्छा, सारी इकट्ठी बैठी हुई है। अल्लाह, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, ठीक है, आपका अच्छा, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? अरे गुड, माशाल्लाह। तो आपको पता फर्स्ट टाइम आपके साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाले? हम एक्टिंग शो कर रहे हैं, आपको पता है? आप दीजिए ना रोल हमको। तो ठीक हो गया, आपका रोल बड़ा मजे का। कितने लोग बैठे हैं आपके साथ? तीन लोग बैठे हैं ना। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा करना है, चुगली करनी है अपनी किसी दोस्त की। सुनिए जरा, चुगली करते करते अभी ये लोग सब सुन रहे होंगे, मैं खामोश हूँ, सिर्फ लोग सुन रहे होंगे। करते 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 आपने आपस में ही लड़ पड़ना है, और ये काम करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। तो मैं देखूंगा कि आवाज से पता लग जाएगा कि कौन अच्छे तरीके से चुगली और लड़ता है। ठीक है, हम करते हैं। डन हो गया। तो मेरे साथ इस टाइम कौन कौन मौजूद है, जरा नाम बताइएगा दोबारा। सानिया, तानिया, हानिया, जुनेदिया, कौन? सानिया, हानिया। अच्छा, अब मैं आवाज कैसे पहचानूंगा? ऐसे करते हैं, नंबर दो, सानिया कौन है? नंबर 1 आप हो। ठीक हो गया। हानिया कौन है? तीन लोग हैं, और आप लोग क्या करना है, अच्छी एक्टिंग करनी है, अपनी किसी दोस्त की चुगली करनी है, और करते करते अपना जो रानिया है ना, ये जो सॉरी हानिया, हानिया ना, हानिया, आपने उसकी साइड ले लेनी है और फौरन से लड़ना है। और इतने में आप लोगों ने बात करनी है, और देखते हैं कि कौन अच्छे तरीके से एक्टिंग करता है। तो शुरू करते हैं हम, 3, पूरा पाकिस्तान सुनेगा कि कौन अच्छा चुगलखोर है। तो देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1 छेड़ दिया कि इतना खूबसूरत। अच्छा, बड़ा नेचुरल लग रहा था, और मुझे लग रहा था मैं सामने बैठ के सिर्फ आप लोगों को ही सुन रहा हूँ। क्या खूबसूरत जी, कमाल। रानिया, तानिया और सानिया, बहुत कमाल, वेरी गुड। क्या एंट्री ली आप लोगों ने, पहली कॉल की, और आप लोगों ने चोर खोली में एंड कर दिया। मुझे लगता है आपका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है।
साहिल भाई। हाँ जी बोलिए। के लिए कॉल की थी भाई, बात सुनो। हाँ जी बोलिए ना। अच्छा बात सुने, ये हमें ना फन के लिए कॉल किया। मेरा नाम है पहले काफी, ठीक है। मेरे साथ मेरी सिस्टर है सबरत और फवाद, माशाल्लाह। और मैं सर शहर मलिक है, हम तीनों कजन है। ये नई गा रहा है ना, तो अभी कहती है साहिल भाई का शो भाई, हमने बताए थे आप, तो हमने कहा अच्छा ना हुआ तो नाम गलत बताएंगे, अच्छा हुआ तो नाम जो है ना सवाल बता देंगे। ज्ञानी भाई है फिलहाल को, मुझे कोई आईडिया नहीं बेटा, मैं अकेला। कजन को महमूद कहानी को ढेर सारा सलाम, उसका शफीर के घर को महमूद कहानी के लिए। ठीक है, वेरी गुड। कुछ और कहना कुछ और कहना है? वेरी गुड, आप लोगों ने बड़ा अच्छा चुगलखोरियां की वैसे। थैंक यू सो मच अपना रियल और पुराना नाम बताने का। खुश रहना। थैंक यू लाफ इट। अस्सलाम वालेकुम। खैर ये पीछे की मेरी बात नहीं थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन कहां से? इस्लामाबाद से। जी कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह, आपको पता है इस वक्त क्या चल रहा है? आपको पता है? मुझे पता है क्या चल रहा है, लेकिन बस मैं आपका हाल पूछने के लिए कॉल करती हूँ और आपको सलाम देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच मैम। और आपकी स्माइल भी। अच्छा, कहाँ से देखिए वैसे आपने? बट चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी सिद्रा, कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल सिद्रा, चुपके बात कर रही हो? बात तो बात नहीं कर सकती क्या मुझसे? अम्मी भी कुछ कहेंगे क्या? अल्लाह कह नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा कौन कहाँ से? सिद्दीक। अरे सर कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े दूर और करीब से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सर, मुझे बताइए क्या करना चाहेंगे एक्टिंग शो में? सर एक्टिंग शो में जो भी आप करवा रहे थे, आप क्या कर सकते हैं, फनी या सीरियस? किसकी कर सकते हैं? अच्छा वैसे करें कि पंजाबी मिठाई वाले बने और मैं पठान मिठाई लेने वाला बनता हूँ। पंजाबी मिठाई देने वाला और मैं पठान। अब हम लोगों ने कंट्रोवर्सी, अब आपस में बात इस तरह से करनी है कि बड़ा नेचुरल लगे और एक दूसरे को जुगत भी कर सकते हैं, बट इन द प्रीमिसेस। ठीक है सर, अगर आप निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे। अच्छा आप ऐसे करें, अच्छा आप दुकानदार लड़की बनना चाह रहे हैं? आप सर लड़की की आवाज निकाल के दिखाएं। बोलिए। डन हो गया, ठीक हो गया। आप ऐसे करें, आप डन हो गया सर। आप एक मिनट दर्जी, हाँ ठीक हो गया। आप एक जगह पे रिसेप्शन पे हैं, ठीक हो गया? एक बड़ी अच्छा सा एक रिसेप्शन है और वहां पे मैं आया हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये कोई समझ लें कि फूड की दुकान है, ठीक हो गया? KFC, आप KFC की रिसेप्शनिस्ट है। डन डन हो गया सर। तो मैं खान हूँ और आपसे खाना लेने के लिए आया हूँ। चलो, तो 3-2-1। यार ये मैं किधर आ गया यार? वो बाजी वो बात सुनो यार। हेलो जल्दी बात सुनिए, आप रिसेप्शन में आए हैं? वो बाजी हम को इतना उर्दू आता होता तो हम DC ना लग जाता यार, तुम क्या बात करती है? आप मिलने के लिए यहाँ पर किसकी मिल रहे हैं, किसकी बात कर रही है, क्या करना ही कराए मेरे पास आए, आप रिसेप्शन पे आए यहाँ पर आके बात करें? वो बाजी पास नहीं आता, हम दूर से बात करेगा, वो करोना है यार तुम, वो इसको संभालो। अच्छा ठीक है बाजी, तुम ये बताओ दाल मास कहाँ से मिलेगा? दाल मास तो मुझे मिल जाएगा, आपको जो है पीछे स्टाफ रूम में जाना पड़ेगा। वो बाजी वो KFC में दाल मास भी होता है यार? सब कुछ मिलता है, आपको क्या चाहिए? दाल मास के अलावा और क्या चाहिए?
हमको दालमाश चाहिए, उसके ऊपर डालने के लिए नींबू चाहिए, उसके साथ लेटने के लिए बिस्तर चाहिए, उस बिस्तर के ऊपर छत चाहिए, दोगे क्या? जी वो हम नहीं डरता किसी गार्ड से, हमारे अंदर जो ताकत है ना, तुम्हारा जो 10 गार्ड है ना, वो हमारी एक चीची के बराबर भी नहीं है, समझा? वो बाजी खुदा की कसम लड़ने नहीं आया, वो रोटी दे, हमारा भूख लगा है यार। वो तुम्हारी एक तो आवाज भी मर्दाना जनाना है, हमको समझ नहीं आ रही खुदा की कसम, हमको लग रहा है हम दुबई पिशावर मिक्स आ गया यार। वो आपका नाम मुखातिब करने के लिए जान सकता हूँ? नाम को क्या करना है, नाम हम बत्ती बना के हम इसका दिया जला। वो क्या बात कर रहे हैं यार, हम मुखातिब करने के लिए काम, बुआ जी क्या कह के हमारा जबड़ा थक गया यार। अच्छा ठीक है, बताओ मेन्यू में क्या है यार, हमें कौन सा तुम्हारे साथ, तुम बताओ और मेन्यू में क्या है, खाने के लिए क्या है यार? वो तुम्हारे पास गड़बड़ है, अच्छा बर्गर है, हम कह लगा गड़बड़ है, हमने कहा वो खैर हो यार, ये दुनिया की टेंशन तुम इधर। अच्छा ठीक है, वो ये KFC का फ्रूट चाट तो नहीं आ गए हम यार? चलो ठीक है, वो बात ठीक है, तुम ऐसा करो हमको फीका गजरेला दे दो और रोटी वाला समोसा दे दो। वो हमको उठा ले, हम डंबल है यार, तुम क्या बात करते यार, छोड़ो हम तुमसे रोटी नहीं लेता, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है यार? मेरा नाम तो गुजारा हो जाएगा, तुम बाजी तुम टेंशन ना लो, हम तुमको कुछ नहीं यार, हमारा हाथ बंधा है यार, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा नाम क्या है यार? मेरा नाम सदा खान जी, मैं आपको बता रही हूँ, सुबह शाम से ना मेरे लिए फिर आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आपका नाम सबा है? हमारा नाम दोपहर है। सबा हाँ, तुम्हारा नाम सबा है, हम दोपहर है, आओ शाम बनते है। वेरी गुड सर, मुझे लगता है लोग इस वक्त हंस हंस के लोट पोट हो रहे होंगे। पहले भी ऐसी थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अरे मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है, आज दिल कर रहा है आपको कोई इमोशनल सीन दे दूँ। क्या बात, कहाँ से किधर ले गई? अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, नहीं कि वालदा को सोच करना है कि ना मैं उनको जन्म में जगह दे और इसे सबर की तौफीक दे। ठीक है, आमीन आमीन, हम सब उसके साथ हैं। अच्छी बात है, माशाल्लाह, आमीन। और मुझे बताइए कि क्या फिर लाएंगे हमारे लिए? हाँ जी, आप भी बताएं, आप बताइए स्क्रिप्ट क्या लाएंगे, आप बताए ना। मुझे लगता है आप कुछ कमाल करेंगे आज। हाँ जी, ठीक हो गया, अब आप रिसेप्शनिस्ट, आप ठीक हो गया, रिसेप्शनिस्ट बनिए दोबारा, रिसेप्शनिस्ट आप ओरिजिनल लड़की बनाते हैं, आपने रिसेप्शनिस्ट बनना है और बहाने बहाने से मेरा नंबर मांगना है और मैं आपको नंबर नहीं देना चाहता, ठीक हो गया? अच्छा, आप क्या मतलब? हाँ, वो मांगने आया हूँ बेसिकली, आप किसी रूम सर्विस से है ना, मतलब एक होटल में है आप, तो मैं रूम की मतलब चाबी मांगने आया हूँ, अब आपको मैं पसंद आ गया, मुझे नंबर मांगना चाह रही हैं, अब बहाने बहाने सब नंबर मांगती हैं पर मैं आपको देना नहीं चाह रहा और आपने निकलवाना है। डन करें डन करें, खैर है, खुशफहमी पालने में कौन सा पैसे लगते हैं, चलो जी शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी करना है, हमारे पास 3-4 मिनट है, तो 1-2-3 एक्शन। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अच्छा मैं आ रहा था, मुझे थोड़ा सा जाना था और मैं अपने रूम की कीज भूल गया था यहाँ पे, तो आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे कहाँ से मिलेंगी? नो इशू, कोई बात नहीं, हमने एक्स्ट्रा कीज रखी होती हैं, हमें बताइए कुछ हमारे घुमा देते हैं या उनके बच्चे घुमा देते हैं। जी मुझे ये नहीं जानना, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ की। हाँ जी, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या करते?
वेल आई एम नॉट हियर फॉर दैट. मैं यहाँ पर चाबी लेने के लिए आया था. नहीं, अब कहीं घूमने जा रहे हैं. का मौसम बड़ा अच्छा हुआ. मुझे लगता है समथिंग गेटिंग पर्सनल. मुझे अच्छी लगे तो मैं आपसे दोस्ती करना चाह रही थी. मैम मैं कुछ बिजी लग रहे हैं तो अगर आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दे तो हम फिर फ्री होके, मतलब मैं भी जॉब से ऑफ करके आपको कॉल कर दूंगी. आप ठीक कह रही हैं, बट आई एम सॉरी, आई एम हियर फॉर द की एंड आई एम एंगेज्ड, सो मुझे ऐसे अच्छा नहीं. मैं आपको दे दूंगी, लेकिन क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? मैडम आप यहाँ तो लड़के नंबर फेंक रहे होते हैं, मिनटे कर रहे होते हैं. आई एम एंगेज्ड मैम, मैं शादीशुदा हूँ. शादीशुदा इंसान ही होते, वो किसी से बात करने का उन्हें हक नहीं होता. मैं कौन सा आपको कह रही हूँ कि आप मेरे साथ मरी में घूमे फिरे. आप मुझे कीज नहीं दे, इसका मतलब मैं आपके मैनेजर को कॉल कर लूं, मे बी ही कैन हेल्प मी. नहीं, मैं आपको दे दूंगी, कोई मसला नहीं है. तो फिर आप दे दीजिए. मेरे सब कितने नेक है ये भी मुझे पता है. ये तो सारों के फोन कॉल रही है. सारियों से वो ये क्या बोल दिया कि वो कितने लेक है मुझे भी पता. ओह माय गॉड, ये क्या हो गया. कितनी टैलेंटेड है आप, इतनी टैलेंटेड. ओए होए 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 होए, सीनियर कॉलर ऐसे आपको एम ही नहीं करते. हाँ जी, ये जो कहानी है लिटरली, अभी ये देखिए आपकी बात से इतना पसीना आया कि मुझे जैकेट उतारनी पड़ गई. अदर का माहौल इतना गर्म हो गया. मेरी तरफ से हस्बैंड अनीता जी को सलाम और आतिफ अब्बा जी को सलाम. अरे ग्रेट सर, दे दिया और वेरी गुड एक्टिंग आज आपने, कमाल कर दिया. रियली मींस अ लॉट. और इतना खुश रहिए और अच्छी सी एक्टिंग करती रहिए. आमीन. वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच. खुश है ना. अल्लाह हाफिज. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फाइनल्स एंटरटेनमेंट ऑन FM 101. बैक टू बैक कॉल्स ले रहे हैं, कॉल्स पे कॉल्स ले रहे हैं 051-111-0101 एंड 051-920-2540. कहानी कुछ ऐसी है कि हमको जाना पड़ रहा है टुवर्ड्स अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, उनका नाम लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं. राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी कहां से बात कर रहे हैं, लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर. नाम लेना चाहूंगा कोहर अली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का. उसके बाद जी फैजान साहब का भी बहुत शुक्रिया, रोशनी भी आ चुकी है. ब्रेक के फौरन बाद मैं जाऊंगा टुवर्ड्स द फेसबुक. हाल हवाल जाने के वहां की भी लोगों का आप हमें सारा फीडबैक देते रहिए. कॉल्स नंबर सेव रखिए क्योंकि अभी जाने वाले हैं टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक होने वाली है और आपको ज्यादा ज्यादा अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का जो बेड़ा जो है वो हमने उठा लिया है और देखते हैं ये बीड़ा कहां तक हम इसको लेके जाएंगे. कुछ मैसेजेस शामिल है, हम बैक टू बैक करते रहेंगे आपके साथ. मुझे भी एक्टिंग करनी है पर बैलेंस नहीं आ रहे भाई, क्या हो गया 40 खुड़ी. और जी हमारे साथ दिली मिर्जा साहबा जो कैसे तक फिरला तोबा कर रही है. हरीम गुल साहबा बहुत इंजॉय कर रही है, लोगों के घर तोड़ रही है. आज ही एक कमेंट आ चुका है जी सायमा साहबा के लिए और यही तो कमाल है जी. Now heading towards a very short break. Kahin mat jayega, I'll be right back. Kyunki ab na rahega khushiyon ke sar pe ghamon ka taaj. Main hoon aapka host Sahil Ijaz. Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। नरजिस काजमी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए काम करने और खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए मुसलमानों के एहतराम को बेहतर अंदाज में समझाने की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने के लिए तआवुन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। बड़ी फौज के सरबराह ने हज़ारा बरादरी के मुतासर खानदानों को यकीन दिलाया है कि मछवाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अमरीकी एवान नुमाइंदगान ने 205 के मुकाबले में 223 वोटों से करारदाद मंजूर की है, जिसमें आयन की 25वीं तरमीम के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को अहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। बॉन्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3C और ई से भरपूर फॉर्मूला, दे 10 लेयर डीप एक्शन, जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्मूथ स्किन रोजाना। दिस इज 101% प्योर। यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101 FM। जेंटलमैन, अरे लो मैं आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। कुछ मैसेज शामिल करने के बाद फौरन से जाएंगे बैक टू बैक कॉल्स पे और लेंगे आप सब लोगों को साथ। हमारे साथ मैसेजेस सो इधर तो सब जगह से मौजूद हैं। हमारे साथ जी मौजूद है जी नाजी साहिबा फ्रॉम रावलपिंडी। उन्होंने अपनी कोई गजल भेजी और कह रहे हैं कि प्लीज कि तू दो जो शेर हैं पढ़ लीजिए। जरूर पढ़ेंगे जी, जब से, अरे अल्लाह खैर करे, ये तो शोर जो होता है ना जिंदाबाद हो जाता है। सो जब से बंधा है तेरे इश्क की जंजीर से दिल, अब संभलता ही कहाँ है किसी तदबीर से दिल। अक्स ने तेरे तलब और ज्यादा कर दी, अक्स ने तेरी तलब और ज्यादा कर दी। मैं यही समझा था कि बहल जाएगा तदबीर से दिल। अरे कमाल करती। थैंक यू सो वेरी मच आपका हमारे साथ मौजूद होने का। उसके बाद जी हम कुछ और मैसेजेस और नाम शामिल करेंगे ताकि सब लोगों की जो हाजी अटेंडेंस लग जाए। वी हैव शाबीना फ्रॉम इस्लामाबाद, इनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने का। तमाम वो लोग जो कि हमारे साथ पैरेलल हर एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे मैसेज है चाहे कॉल्स है। Heading towards the calls, or I may call 051-111-000-101 and 051-920-2540. Best actor ka award aaj yahan se kaun leke jayega, main ye janna aur sunna chahta hoon. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Ji kaun kahan se? Achha baat kar rahe hain aap, theek thaak hai? Main bilkul theek thaak hai, aap to pehle se acting ke mood mein aaye ho. डन हो गया। तो सर आप क्या एक्टिंग करना चाहिए, क्या प्लान? मुझे लगता है आप कुछ साथ कुछ लेकर आए अपने आइडिया। आप तो हमने कभी एक्टिंग किया नहीं है, आप उनको बताएगा तो हम कुछ ना कुछ सीख जाएगा यहाँ पे आके। ठीक हो गया, आपने एक्टिंग करनी है, आपको फजूल बातें करने का शौक है और मैं आपके सामने समझदार बन रहा हूँ, आपने बस मुझसे फजूल, मेरी हर बात में से फजूल बात निकालनी है। ठीक हो गया, इसी आपकी बात को फजूल बात निकालने। हाँ, मेरी जो भी मैं बात करूंगा उसमें से कोई ना कोई फजूल बात निकाल लेनी। अच्छा ये क्या होता है? अच्छा वो वाला, इट्स अप टू यू, आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं। डन,
ठीक होगी, आप चेक कीजिए, देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा कैसे हो? बेटा ये तुम्हारी उम्र से बड़े, तुम इसको देखे बोलते। अच्छा ठीक है अंकल, आप मुझे ये बताएं आप मेरी दुकान में क्या लेने के लिए आए हैं? हमको अंडा चाहिए। अच्छा आपको अंडा चाहिए, गोल वाला चाहिए सीधे वाला चाहिए? तुमने कभी अंडा नहीं देखे, तुम कैसे देखो बुजुर्ग आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुए तो वो गोल वाला अंडा कैसे होते? अच्छा आप दुकान पे आए हो जी सर, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए अंडे में, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट? अच्छा आपको दूध वाला अंडा, आपको दूध वाला अंडा वो दूर जाके मिलेगा। जी मेरी दुकान है पर शटर बंद है, आप गलती से अंदर आ चुके हैं, उसके लिए मैं माजत चाहता हूँ, पर अंडा लेने के लिए आए तो यहाँ पे अंडा नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लेवर्ड अंडा। तो आपको हमारे से मिलने चाहिए थे। जी जी आप ऐसा आपको अंडे के बदले हमको अंडा नहीं चाहिए, तुमको डाटा चाहिए? नहीं हमें इन दोनों में से कुछ चीज चाहिए, हम सिर्फ अंडे सप्लाई करते हैं। ये मेरे हाथ में डाटा है, इसको आप देख सकते हैं, ये तुम्हारे सर में लगेगा और तुम्हारा ये जो अकड़ खत्म हो जाएगा। जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप गलत जगह तशरीफ ला चुके हैं। जिस जगह मेरा दिल मेरा टांगा मेरे जाऊँ तुमको नहीं चाहिए बताने वाले, मुझे अंडा चाहिए, तुम बस मुझे अंडा दे दो। ठीक हो गया सर, आपका नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल आप मैंने तो आपका नाम बताया ही, मैं सदी कश्मीरी बात कर रहा हूँ, पहली दफा में आया आपके पास, फिर मैं दूसरी दफा आया हूँ, अभी मैंने कहा चलो आपको फिर आजकल अंडों का हड़ताल चल रही है, मेरी मुर्गी जानने वाली है, मैं उससे बात करूंगा, वो अलाउ करेंगे, उसके हस्बैंड ने अलाउ किया तो आपके घर पार्सल पहुँचा दिया जाएगा सर। उसके हस्बैंड मुझे वो हस्बैंड ही दे दो, हमें अंडे को क्या करने, हम हस्बैंड घर लेकर जाएंगे, वो हमको अंडा देता रहेगा। ठीक हो गया सर, तो आपको कितने दर्जन कितने किलो अंडे चाहिए सर आपको? हमको तकरीबन 2 किलो अंडे और 1 दर्जन सूप चाहिए। ठीक हो गया सर, 2 किलो अंडे चाहिए आपको सर, 1 किलो 1 दर्जन सूप चाहिए सर। आपको जो अंडे का छिलका है वो चाहिए सर? नहीं अंडे का वो जो अंडे कैसी बातें करते हैं तुम, मैंने कभी अंडे नहीं खाए। जी सर मैंने अंडे खाए हैं पर छिलके फेंक देता हूँ, मैंने कहा शायद आपको किलो में वो चाहिए सर। चलो मुझे जैसा आपको मुनासिब लगती है, आपको जो आपकी तरबियत है उस हिसाब से हम उससे बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी हम आज बुजुर्ग कल तुम बुजुर्ग हो जाएगा तो फिर तुम बर्दाश्त करेगा। ठीक है सर, आपको कितने किलो अंडे का छिलके पैक कर दूं सर? मुझे क्या हो रहा है बस कर जबड़ा थक जाएगा, नीचे ढीला छोड़ दे भाई वेरी गुड जी, अच्छा किया आपने, और ये फाइनली ये कंडा तोहफा में दे रहा हूँ आपको, ले जाइए इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। और ये जो अभी आपने एक वो कॉलर आए थे, पता नहीं क्या कह रहे थे आप, चुंगी खोर अच्छा फाइनली आपने एंजॉय किया, फाइनली इसको एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल। अरे और मेरी तरफ से आप तमाम को सलाम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे कहीं हम तो नहीं है क्या? हेलो वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? वालेकुम सर कैसे आप? जी जी वालेकुम सलाम मैम, कौन कहाँ से? कोमल बात कर रहा हूँ। अरे कोमल बात, गजरेला 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 गाजर का हल, मुझे जिसमें आपकी आती मुझे याद आ जाता है। जी जी मैं आज आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ गूगल पर। हाँ कितना मजा आ रहा होगा जी, ठंड तो बिल्कुल ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही होगी। चलो आज एक्टिंग करते हैं भाई, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। चलो मेरे लिए समझो तुम ना, ऐसा करो ना, ऐसा करते हैं मैं घर आया हूँ तुम्हारे, और मुझे जबरदस्ती ना गाजर का हलवा खिला के भेजना, मेरा दिल नहीं है, पर हम इतनी तारीफें करो भी मेरा दिल करे मैं खा लूँ। ठीक है बस गाजर का हलवा खिलाना मुझे, जबरदस्ती मेरा दिल ही नहीं है, बस खिलाना है मुझे। चलो जी देखते हैं भी गाजर का हलवा खिला सकती है या नहीं। तो जी एक्शन। हाँ जी हाँ यार मैं चलता हूँ, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, मैं जाता हूँ मुझे घर जाना है। नहीं नहीं अभी रुक के, अभी आप खाना खा कर जाएं, सो के बैठ जाएं, मैंने गाजर का हलवा बनाया वो आप खाएं, ठीक है? नहीं मैंने नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। क्यों नहीं खाना, इतना अच्छा इतना मजा गाजर का हलवा मैंने बनाया, मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। क्यों नहीं खाना, इतना मजे का बीच मैंने खोया डाला
और ड्राई फ्रूट डाले हैं, इतना मक्के का बनाया, इतना सारा बनाया सिर्फ आपके लिए। सॉरी मैम, डाइटिंग प्योर मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। क्यों, आप डाइटिंग पर हैं? अरे यार, मैंने बोला है ना मुझे नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम? खाना तो खाना मुझे नहीं पसंद, मजे का मैं इतना मीठा और जो भी खाते इतनी तारीफें कर रहा है। मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का। मैंने डाइटिंग वाला गाजर का हलवा बनाया, आप खा कर जाएंगे जो मर्जी हो जाए। मेरा दिल नहीं है, मुझे नहीं खाना। तुम क्या चीज हो यार, जाओ अपना काम करो। नहीं नहीं, गाजर का हलवा खाए बगैर आपने कहीं जाना, इतना इतनी मेहनत से बनाया सारा दिन, सब्जियों को कद्दूकस कर करके टाइम के मेरे हाथ थक गया और आकर मैंने खाना नहीं है। मैंने बोला है कि मैंने गलती कर दी आज तुम्हारे घर आके, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने खाना खाया हुआ है, मैंने मिठाई खाई है, मुझे गाजर का हलवा नहीं खाना, नहीं खाना, समझती हो क्या? तो गाजर का हलवा भी मिठाई होता है, वो आप खाएंगे तो मजे। यार ये कितनी जिद्दी है। अच्छा ला, दे जल्दी कर दो जल्दी से, कितना कितना क्यों बनाया दो मुझे, मैं कहता हूँ अब मैं जाऊंगा ही नहीं खाए बगैर। क्या बात है, फुल भाई गाजर बनाया मैंने, 2 किलो 2 किलो बनाया है, मुझे ऐसे करो 2.5 किलो पैक कर दो। ठीक है, मैं पैक करके देती हूँ आपको, ठीक है? अरे वेरी गुड, कमल बड़ी एक्टिंग हुई, कहाँ सीखी है वैसे? नहीं बस अभी कोई चीज कर ली मैं। नहीं नहीं, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, मैं कह रहा हूँ खाला है प्राउड ऑफ यू। वो कहेंगी जी हमारी कोमल एक्टर है भाई, बहुत बड़ी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आपने कहा तो मैंने कर दी एक्टिंग। अरे वाह भाई वाह, कमल मैं कहता हूँ छा गई हो, गजरेला जिंदाबाद है। और मैंने कहना था आपका प्रोग्राम इतना अच्छा मुझे लगता है और इतने शौक से मैं सुनती हूँ, आज मैंने भाई से पैकेज करवाया तो आज मैं सुन रही हूँ गूगल पर। अरे क्या बात है, वेरी गुड, फाइनली हमारे साथ कोमल आ चुकी हैं। कोमल बहुत शुक्रिया आने का है जी, थैंक यू सर, बहुत गाजर का हलवा बोलूंगा नहीं, ठीक है? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? फातिम अली जी, यहाँ से। अरे सर कैसे हैं? थोड़ा सा सुस्त चल रहे हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्या? जी जी। अच्छा तो बताइए क्या क्या एक्टिंग करने आए आप? नहीं नहीं, मैं कल के लिए आपको बताने आया, कल आपने बोला था ना दोस्तों को प्ले देने का। जी 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 जी। बस वो मैंने दी है तो आपको छुट्टियाँ बोल रहा था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश हुआ वो? कल तो बड़े बड़े छोड़े थे मेरी जिंदगी, मोहब्बत इश्क इम्तिहाने जनाने जुनून तक है, तो चॉकलेट तक नहीं खिलाई तुमने, सुभान अल्लाह। कल मेरा जो मूड खराब था, मेरे सारे दोस्तों ने कढ़ाइयां बुक करा लिया मुझसे, अब मुझे उस चक्कर में सबको कढ़ाइयां खिलानी पड़नी है बारी बारी। चलो खिलाया पिलाया करो यार, दोस्तों को खैर जाया नहीं होता वो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? सारा बात कर रही हूं इस्लामाबाद से। आप वही सारा जिसे थोड़ी देर पहले गुस्से में कॉल काटी थी? नहीं। अच्छा सॉरी, कोई और है, ठीक है। कैसी हैं आप? जी मैं आपकी जो मेंटल डिफॉर्म बात कर रही हूं, लेकिन आप उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डर गया, मैंने कहने लगे मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं मतलब जो भी थैंक यू, तो करोगी ना मेरे शो में? जी, बताएं। मैं बताऊंगा, पर एक्टिंग अच्छी करनी है जी। कर लोगी, सीरियस कर सकती हो या इमोशनल कर सकती हो, किस तरह की, मतलब हंसी मजाक वाली, क्या जो आपने, आपको क्या लगता है आप क्या कर सकती हैं, हंसी मजाक वाला अच्छा कर सकती हैं या सीरियस? सीरियस अच्छी कर सकती हो, ठीक है। कहानी कुछ ये है, एक लाइन मैं आपको दूंगा, अगर तुम साथ हो, इस लाइन को लेकर आपने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूं और आपने अपनी फीलिंग्स को अगर तुम साथ हो पे लेकर आना है कि मैं आजकल ऐसा फील कर रही हूं, पर अगर तुम साथ हो तो ये अच्छी चीजें हो सकती हैं, तो उसको इस तरह से अदायगी करनी है कि सब लोगों को वो एक्शन और वो एक्शन भा जाए, तो बस मुझसे अपने दिल की बात करनी है, पर अगर तुम साथ हो इस लफ्ज का इस्तेमाल करके, डन भाई, भाई वाला करना है। चलो इसी पे बहन भाई कर लेते हैं, सिचुएशन यही है, पर मैं तुम्हारा भाई हूं और किसी को छोड़ के जा, मतलब किसी लड़की के लिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तो वही कर लेते हैं।
अगर तुम साथ हो तो साथ में ये चलो, डन। पर उसको करना उसी स्टाइल में, बेशक बहन भाई मना लो, पर इमोशंस नहीं आएंगे तो मैं फौरन से बंद करवा दूंगा, ठीक है जी। इमोशंस लाने हैं, डन। 3, 2, 1, चल मेरी बहन शुरू हो जा। जी भाई बात सुने, आप कहाँ जा रहे हैं, तुमसे मैंने एक बात छुपाई थी बेटा। तुम्हारे माँ बाप नहीं थे और बचपन में मैंने तुम्हें कहीं से पाया था और ये सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूंगा, तो तुम मेरी सौतेली बहन। भाई लेकिन आज ये राज मुझे मैं माजा चाहता हूँ, बट अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार हो गई हो और मुझे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ना तो शायद हम दोनों सौतेले हैं बेटा, हमें आज ना कल कभी ना कभी जुदा होना ही है। पर शायद अब मैं नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे लगता है मैंने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन नहीं ना भाई, मैं आपसे बहन ही ना रह सकती। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी लाइफ। भाई प्लीज, ये समझ लेगी मेरा दुनिया में कोई नहीं आपके सिवा। मेरे हाथ में कुछ नहीं। भाई प्लीज ना, मैं नहीं रह सकती ना आपके बगैर। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम्हें मैंने आप तो मेरे भाई हैं, मैं तो आपको भाई समझती हूँ ना। पर शायद आज के बाद नहीं। हाँ कभी जरूरत हो तो मुझे बताना, मुझे कॉल करना, मैं मुझे माफ कर देना, मेरे पास अपनी असल बहन है, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। बट तुम्हें मैंने अडॉप्ट किया था और आज मुझे लगता है कि मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया। एंड फाइनली आज हमारा आखिरी दिन है, बेटा को कुछ आखिरी बार कहना है तो बोल दो। कुछ आखिरी बात कहनी है तुमने? नहीं भाई, प्लीज आपके पास मैं अपने साथ कुछ ना कुछ कर लूंगी भाई। नहीं 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 प्लीज, कुछ करना नहीं है मेरे शो में, वैसे लोग बहुत कुछ करते हैं। कितना कुछ ना करना, अरे कुछ ना करना। वेलकम टू द ग्रेट शो, बड़ा अच्छा किया जी आपने, वेरी गुड। और फाइनली, वैसे रो रही थी क्या? हम वहां सदके जा रो रही, चुप की होगी। हेलो जी भाई, रो तो नहीं रही थी? कैसी लगी आप? मैं कहता हूँ आपने तो तितर बितर कर दिया। वेरी गुड, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया आपने। और फाइनली इतने बड़े बड़े एक्टर है पाकिस्तान, मुझे आइडिया नहीं था। भाई मैं अपने भाई इतना बहुत प्यार करती हूँ। मां से दिखे जाए तो चलो भाई की बात मानो, कॉल कर दो। हेलो हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं सोनत बात कर रही हूँ नारोवाल से। अरे कैसी हैं आप, ठीक ठाक? आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज बहुत कट रही है, ट्रस्ट मी। दोबारा कर काट के कॉल करना चाहेंगी? आवाज टू ब्रेकिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? पहचानते हैं ना तो पहचान जाइए। अरे सर मुझे डर लग रहा है, अगर आप वही हैं तो। अच्छा, मेरा कुदरती तौर पे चेहरा इधर हो जाता है। मुझे पता है आप पहचान नहीं करते सर, कैसे ठीक ठाक? वेडिंग सर, आपने लास्ट टाइम जो एक्टिंग शो किया था मुझे बड़ा वो याद है। अब आज फिर कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, आप आज क्या बनना चाहेंगे? यार उस दिन मैंने आजादी, आज मैं सुझाव थोड़ा सा रुला। नहीं नहीं, आज भी आसान है, मुझे आसान है, मैं लोग और ज्यादा चाहिए आज के लिए। तो चले फिर जल्दी शुरू करते हैं, मैं भी कराची वाला बनूंगा और आप भी कराची वाले बनेंगे। और कराची वाले क्या बनना चाहेंगे आज आप? यार फिर आप मुझे दें, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, प्लान नहीं किया, या तो मुझे टाइम दे तो मैं दोबारा मिलाऊंगा, ना आप मुझे दे दें। चलिए ठीक हो गया। अब ऐसा है कि आप पान गुटके वाली दुकान थी आपकी, अब आपने छोड़ दिया क्योंकि अब आपको समझ आ गई कि ये काम गलत था, और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं यार ये काम तूने क्यों छोड़ा, ठीक हो गया? आपने मुझे कहना है कि नहीं ये काम गलत है। तो इसमें कॉमेडी कहाँ से आएगी? यही तो कॉमेडी है सर, इसमें से तो निकालनी है।
या अभी चलें ऐसा कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह से इसमें नहीं हो पाएगा तो यार ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं आप एक फॉर्म के मैनेजर हैं, मैं आपसे जॉब लेने के लिए आया हूँ, डन करें। तो इसमें फन आ जाएगा? फन नहीं आएगा, इसमें ट्रेजेडी आएगी यार। नहीं फन चाहिए हमें, फन चाहिए आपसे, तो कम से कम फन चाहिए हमें, क्योंकि आप हंसते ज्यादा अच्छे हैं, हमें आपको रुलाना नहीं है, आपको आसान है ये ऐसे ही। अरे तो फिर आप खुद मुझे बताएं, कोई और दे दें यार। चलिए ऐसा है कि आप और मैं बैठ के कराची के हालात डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सही है, ठीक हो गया। आप ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे तो कुछ खासा पता नहीं है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी इन 3 2 1। अरे 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 भाई कैसे हो? अमा अमा यार क्या बात कर रहे हो भाई, सही है तुम्हें पता कराची में तो वो सही है। अरे यार मुझे पता लगा कि वहाँ पे तो कल एक्सीडेंट हुआ है। अरे अरे लड़का जो है वो कहीं तुम्हारे से मिलता था, मैं खुश हो गया, मैंने कहा शायद मेरा दोस्त चल दिया, पर तुम्हें कॉल की, तुम्हारा नंबर ऑन, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा सब ठीक हो। यार तुम्हारे ये कमीने ख्वाब कोई पूरे नहीं होने वाले, मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, यानी हम ही तुम गुजारे दे रही हो, यानी कि यार ये हद हो गई नहीं। अरे अरे मियां मजाक कर रहे थे, मजाक ऐसे संजीदा मजाक, हमारे हार्ट पे अटैक हो जाते तो हम क्या करते, हम मर जाते। अभी तो हमने शादी भी नहीं की, हमारा अभी 60वां सालगिरह मनाया हमने, हम शादी भी नहीं, तुम हमें मार रहे हो। अरे तुमने 60वां मना लिया, अरे हम तो 32वें पे है। अरे क्या, अरे क्या कमांडो इंसान हो तुम यार, परेशान हो गए। 60 साल का बच्चा नहीं, 60 दिन का बच्चा होता है। अरे तुम्हारे बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, कुछ शर्म करो। अम्मा बच्चों के बच्चे तो जब होते गए हमने निकाल दिया होता तो मुझे यही नहीं बताने, हमने आते निगरानी में, हम तो अभी तो आशिकी कर रहे हैं। अरे कवारे हो? हम बिल्कुल रेडी मेड जेन्युइन गवारे, कहीं से भी तुम टेस्ट करा लो हमारे। अरे तो वही गाना तुम पे नहीं बना के, हम है चौक में खड़े बाबा जी छड़े, वो कुछ लगता है हमको तुम्हारा? अरे 100% वो जो तुम टिकटॉक की बातें कर रहे हो ना, वो जो बाबा सियाल कोटी अभी वो बड़े चक्करों में हमारे। अरे मियां छोड़ो, अरे मियां छोड़ो, सबसे पहले ये बताओगे कि क्या खाओगे? हम हवा खाएंगे। हवा खाओगे या मेरे से छिट्टर खाओगे? अरे मामा कुछ तो बोलो। अमा ध्यान तुम, मैं छिट्टर खिला रही हूँ हमें, तुम मारो छिट्टर में क्या हो गया भाई? अरे तुमने चप्पल कबाब सुना है? हाँ चप्पल कबाब तो हमने बहुत मशहूर है लालू खेत के। अरे वही तो बोल रहे हैं, हमारा अपना अंदाज है बोलने का, चप्पल कबाब छिट्टर कबाब खिलाएंगे हम तुम्हें भाई। ये तो हम हैं क्या कर रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो कि अभी वो जो गाजर वाली आई थी ना, गाजर का हलवा सुन के तो हमारे मुंह में पानी आ गया। अरे हम तुमको बताएं साहिल, ये साहिल मियां साथ बैठे थे, हमारा तो मुंह लिब हो गया, मुश्किल से हमने पानी अंदर किया, लगा शराब आ गया मुंह में। अरे तुम कमाल करके, मैं तो कुछ भी नहीं करता। वेलकम टू द ग्रेट शो, ग्रेट। ओके दिया, जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ओके अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? हेलो जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं सर लाखा बुजवा सियालकोट से लाला मोहम्मद बुढ़ा बात कर रहा हूं। अरे सर कैसे हैं? इतने सीनियर लोग आते हैं, मैं डर जाता हूं, मुझे एक्टिंग का शो है, ये क्या दूंगा मैं आपको। सर क्या क्या प्लान लेकर आए हैं मेरे लिए? अब तो प्लान तो कुछ नहीं लेकर आए यार, बस प्रोग्राम सुनते सुनते बस दिल किया तो मैं कॉल कर लूं। थैंक यू, लेकिन पहले भी की थी। अच्छा 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 अच्छा, से की थी हमारा दूसरा खुला के कॉल करने का आपको। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मान बख्शा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। यार चक्कर ये है कि आपकी कॉल बुलाते बुलाते ना प्रोग्राम का मजा जो है ना खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, कॉल लगती है लेकिन आप उठाते नहीं यार। अरे हम मजबूर आदमी चार पाई पे पड़े हुए हैं। अरे सर हम आपके गुजारते हैं सर, आपकी ताकत हम बनने की पूरी कोशिश करते हैं या नहीं करते, कि आपको बैठे बैठे हवाओं के ऊपर लगा दें बस कहीं से। बस अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम सुनने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो आती हो चुका हूँ भाई। अच्छा रात 10 बजे लेकर 4 बजे तक मैंने प्रोग्राम ही सुनने होते हैं, हमारा कोई काम नहीं है। अरे सर वेरी गुड सर, खुश रहा करें, हम सब आपको खुश करने के लिए आते हैं सर।
आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया सर, खुश रहेगा, बात रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? अच्छा स्टेफनी, ऐसा करो 5 मिनट बाद कॉल करो, कि तुम्हारी एक्टिंग लंबी हो जाएगी मुझे पता है, क्योंकि अभी मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक में अगर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, सारा जो टेम्पो है टूट जाएगा। Am I right? दोबारा 5 मिनट बाद कॉल करो। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कुछ मैसेजेस लेते हैं, क्योंकि 24 मिनट रह गए तो शायद किसी की भी जो एक्टिंग है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और मैं कुछ मैसेज शामिल कर लेता हूँ कि आखिरकार रैंकिंग कहाँ जा रही है। पीछे 4 मिनट रहेंगे और आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आइए जी मैसेज पढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ। बाय हमारे साथ मौजूद हैं जी, एंजॉय कर रही हैं एक्टिंग शो को। किरण और रायमा भी मौजूद हैं, कभी बहुत शुक्रिया, शौक से सुनती हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं जी, वजी सियालकोट। रानी हमारे साथ मौजूद है, इनका भी बहुत शुक्रिया। रोशनी जो है परीसा की जो है उस एक्टिंग को नंबर दे रहे हैं। देखना यह है कि आखिरकार और कौन कौन जीत जाता है आज का ये एक्टिंग शो। जी नादिया सालियन हमारे साथ मौजूद है जी फ्रॉम चकवाल, और एंजॉय कर रही है शो को। थैंक यू सो वेरी मच, हंसते मुस्कुराते रहे आप भी। मुनसिफ शाह भी हमारे साथ मौजूद है जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी हाँ जी जनाब, इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा, ना नाम ना पता ना कुछ और। उसके बाद जी साहिल ब्रो, हाउ आर यू, आई एम योर बिगेस्ट बिग हीटर, आपकी तो क्या ही बात है, थैंक यू सो मच, और बेस्ट विशेस फॉर यू और मैं इज़म एंड मेरी सिस्टर अलीज़े, सो अलीज़े इस जिले, और फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, मंडी वाल दिन से बहुत शुक्रिया, स्वीट स्माइल है। जी जी शो को एंजॉय कर रहे हैं जी, ब्रालू हक राहुल पिंडी से आपका बहुत शुक्रिया जी। पारिया फ्रॉम मरीन का बहुत शुक्रिया। कोमल हमारे साथ मौजूद है, एंजॉय कर रहे हैं शो को, गूगल पे सुन रही है, अच्छा ग्रेट। बाद इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया आपका, कोमल को इन्होंने वोट दिया है। उसके बाद जी साल भाई ठीक है, अभी तक दही नहीं मिली मुझे, ये वो ये भी चांद पे तो नहीं फिर रहे क्या? हमारे साथ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, जिमाल इमान हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम डी एच इस्लामाबाद। हाउ आर यू भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, शो अच्छा है, अच्छा लग रहा है इनको। एग्जैक्टली मुझे आपने जो पूछा उसके बारे में जिमाल, कोई आइडिया नहीं है। करें जी हमारे साथ आमना अवान फ्रॉम पिशावर, इनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। देन वी हैव इकरा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ, क्योंकि पूर्व मैसेजेस पढ़ना मुझे पता है कई बार बहुत फ्रूटफुल और फीलिंगफुल आप लोग मैसेज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आपके मैसेज हमारे लिए इसमें बहुत वैल्यू रखते हैं, और उनको हम बैक टू बैक पढ़ना भी चाहते हैं, बट टाइम की किल्लत की वजह से हम उसको प्रॉपरली उस तरह से फिनिश नहीं कर पाते, बट स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रोग्राम और आपकी कमेंट्स उसी तरह से मैं शामिल कर पाऊँ। सो हमारे साथ कुछ मैसेजेस हैं, आइए शामिल करते हैं। फ्रॉम फेसबुक, Assalamualaikum Aji Ji, well ladies and gentlemen, I'm sorry for being late, so may I come in, Somali Chan, please come in. Assalamualaikum Ji, best and best for FM, thank you so very much. Aur kaise hain, bilkul theek thaak Ji, Izwa hamare sath Narowal se aa chuki hain, bahut acha lagta hai hamare show sunke. Aisha ko salaam de rahi hain Ji, keh dena, aur woh bhi sun rahi hain, bahut shukriya Aisha, how are you, pata nahi kitni Aisha sun rahi hongi is waqt. और मेरा वोट है जी रोमिना, रोमिना को जो कि लास्ट पर आई थी ब्रेक से पहले, ओ ग्रेट, अच्छा उनके लिए वोट है, ग्रेट, वो चुगल खोरी हुई जो लड़कियां थी, उनको उनके बारे में क्या करा, हर एक ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत कमाल की और बड़ा अच्छा लगता है जब इतने कमाल कमाल लोग इतने आराम से आ जाते हैं। खान थैंक यू वेरी मच, उसके बाद जी आई हैव बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच जी एहसान तनहा, इनका बहुत शुक्रिया। अकबर साहब बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैसेज बहुत ज्यादा किए आपने, बट टाइम की किल्लत की वजह से मुझे तेज तेज बोलना पड़ रहा है। पसलियों में दर्द हो रहा है किसी के तो मैं हूं, पर इससे पहले हम आगे जाएं, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वन वन टाइम चेक, इट्स 11:30 PM। पाकिस्तान
एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। Ladies and gentlemen, welcome to FM 101. Come on, turn the radio on. It's Friday night. So, Mughal, I'm Samojana ji, aap sab aaj ka bahut shukriya, bahut sab pyar de rahe. Thank you and big respect from Ahmed Fazal. Ye main Facebook ke message padh raha hu. Mano Khan bhi hamare sath aa chuki hain. Meow. Mano from Haripur. Aaj se kuch callers aaye lete hain. Assalamu alaikum. हेलो हाय हेलो हाय कोई है क्या नहीं है कोई अस्सलाम वालेकुम जल्दी कीजिए कॉल के बीच में गैप मत लीजिए और कॉल कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी एक्टिंग करके जाइए क्योंकि हमें न्यू कॉलर्स को वेलकम करना है अस्सलाम वालेकुम ओह माय गॉड हेलो अस्सलाम वालेकुम अरे कौन कहाँ से उष्णा कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक क्या कहना चाहेंगी आप शो के बारे में एक्टिंग करना आई है ना एक्टिंग कर लेंगी ना एक्टिंग कर लो कोशिश करो किस तरह की एक्टिंग करनी चाहोगी मैं बताऊं कैसी एक्टिंग कर लोगी फनी या सीरियस कौन सी सीरियस कर लोगी ठीक हो गया आप गिरी हो आपके पाँव में मोच आई है मैं आपके पास भागा भागा हूँ आपको बहुत दर्द हो रही है अपने दर्द को अपने लफ्ज में बता रहे हैं ठीक है शुरू करें चलो गिर गई हो एक्शन अरे क्या हुआ हाँ करूंगा मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ आप जरा रो के फीलिंग करके बताओ कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है अच्छा मुझे बताओ क्या हो गया तुम्हें ये तो खून निकल रहा है मैं ले जाता हूँ तुम अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हिलना नहीं है तुमने ज्यादा जोर कितनी लगी अच्छा छोड़ो ये तो बिल्कुल छोटी सी खरोश इससे कुछ नहीं होता अरे नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं हल्की सी खरोश आई है चलो तुम्हें कुछ नहीं खुद उठ के दिखाओ चलो शाबाश पक्का मैं हेल्प करूँ ना हेल्प करूँ मैं कहती है आ जाओ हेल्प करता हूँ हाथ पकड़ाओ अरे इतनी भारी होगी हो क्या इतनी भारी होगी हो वेरी गुड क्या एक्टिंग की आपके सच में पाँव में लगी तो नहीं है इसका मतलब है इतनी अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग की है वैसे आपने कमाल है जी अल्लाह आपके पैरों में चोट ना लगाए पर एक्टिंग के लिए आपने लगा लिया बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अच्छी एक्टिंग की आपने खुश रहना वेरी गुड अस्सलाम वालेकुम कोई है क्या वालेकुम सलाम कौन कहाँ से अरे स्टेपनी वेलकम वेलकम करते हैं और आपको फौरन से एक्टिंग करते हैं जी क्योंकि टाइम मुझे लगता है कहाँ है नीला अभी कहाँ है चिप्पू किधर है खुद बुलाओ मुझे नहीं पता लियाकत कहाँ है बेटा सब कुछ कर लेना पर पहले एक्टिंग कर ले क्योंकि शो का टाइम समझ रही हो ना आगे कितना कितना टाइम रह गया आधा घंटा भी नहीं रहता आप आई डोंट केयर हु डियर सो नाउ कैन वी स्टार्ट मैन क्या प्लान लेके आई जल्दी से बताओ क्या प्लान कह रहा हूँ प्लान लेके आई यार आप बताएं मैं बताऊँ ठीक हो गया मैं ये बताता हूँ नहीं होना अच्छा आज सीरियस होना है भाई सीरियस होना है नहीं रोने वाली करनी सबके लिए करनी थी आया कोई नहीं रोने वाला करनी तो रोने वाली थी अच्छा तो शुरू करते हैं अब मुझे बताओ कि बड़े मजे का सीन होने वाला है सीन ये है कि आई एम बेसिकली इन माय वेडिंग और मैं वेडिंग में हूँ एंड यू जस्ट केम और मुझे कॉल करके पीछे बुलाया और मैं वेडिंग छोड़ के आपके पास आया हूँ जैसे ही आऊंगा तो आपने मुझे स्टॉप करना है मुझे रोकना है और कसम में बातें देखिए मुझे रिवाइव करना है कि मैं शादी छोड़ के आपके साथ आऊँ तो कुछ ऐसा करना है कि मैं आपको लीव कर दूँ तो दो मिनट के अंदर वो इमोशनल सीन जनरेट करना है जो आपको पता है डन डन तो मैं अभी शादी के सॉन्ग प्ले करूंगा और इट मीन्स कि मैं शादी से आऊंगा और आपने मुझे कॉल करनी है बुलाना पीछे में आवाज आ रही होगी गाने की और मैं बोलूंगा हाँ बोलो ऊंची आवाज आ रही है तो फिर मुझे वापस बुलाओगे कि टेंट के बैक साइड पे आएंगे वहां पे मिलना है ठीक हो गया डन करें तो जी शुरू करते हैं इन 3 2 1 एक्शन हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है हाँ बोलो मैं शादी में हूँ आई नो तो मैं तो थोड़ा एक काम करूँ सर की बैक साइड पे हूँ मैं वहाँ पे थोड़ा वेट कर रही हूँ क्या सर ये बैक साइड पे मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ इन ब्लैक ड्रेस
अब अरे जल्दी आओ, जल्दी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी आओ सर्दी है यार, जल्दी आओ, मैं कुल्फी जम जानी है मेरी। अच्छा एक मिनट, एक तो क्या मुसीबत। अच्छा मैं कॉल काटो, मैं आता हूँ, कॉल काटो। ओके। अरे यार ये कहाँ से आ गई? गॉड सर्दी है। अच्छा अरे यार ये जरा ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इसको शादी तो मुझकी निकलवाती हूँ अच्छी तरीके से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओए यहाँ पे तुम, शुक्र है तुम आ गए, मेरे को पता नहीं आएगा। व्हाट द हेल इज दिस यार, व्हाट आर यू डूइंग मैन? मेरी शादी चल रही है, कोई तुम्हें देख लेगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आई एम इन माय वेडिंग। चलो तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है इधर आओ, देखो उधर लोग देख रहे हैं, कोई देख लेगा, इधर आओ मेरे। हाँ मैं चला गया, आप सुन रहा हूँ मुझे ये सब सुनना नहीं है अभी। I just want to go. इतने मुकर के खड़े हो गए हो मेरे के लिए? मुझे कोई मसला नहीं, तमाशा तुम्हारी शादी पे लगेगा। मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। अब हम दूर चले जाते हैं, इस दुनिया से दूर कहीं। चलो मेरे साथ। अरे चलो, क्या सोच रहे हो? चलो सोचने का वक्त नहीं है, निकलो। मुझे कहीं नहीं जाना। There is someone who loves me better than you. और मैं उसको खोना नहीं चाहता। Total that. वो इस तरह से इस वक्त अपने घर से निकल। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, क्या तुम जा सकती हो यहाँ से? ऐसे क्यों ना, तो मैंने यहाँ पर अपनी जान दे देनी है। Sorry, please चलो, देखो मेरा बहुत खुश रखूंगी। तुम अभी तक खुश नहीं हुई क्या? हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे साहिल, तो मेरी कसम साहिल, प्लीज साहिल चलो यहाँ से यार, प्लीज। मेरे अंदर और दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ ना, तो कोई हिम्मत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं कर लूंगी। तुम जस्ट कैन यू जस्ट प्लीज गो, कैन यू जस्ट प्लीज गो। और तो बोलो लोग इधर आ जाएंगे, तमाशा बन जाएगा तुम्हारे। तुम जाओ यहाँ से, सामने तुम जाओ। नहीं मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। देखो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ और खेलने के लिए? प्लीज अल्लाह का वास्ते यहाँ से चलो, देखो प्लीज। सिर्फ एक मिनट, मैं और यहाँ खड़ा हूँ, कुछ कहना है तो करो, नहीं तो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगी और अपने आप को भी मार दूंगी। डरी देखो, देखो साहिल इतना वक्त नहीं है, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ते, तुम प्लीज मेरे साथ चलो साहिल, प्लीज। मैंने तुम्हारे तरफ आने वाले हर दरवाजे हर रास्ते को बंद कर दिया। मोहब्बत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। अब उस तरफ जाएंगे तो सिर्फ आंसू और कुछ नहीं। तुमने इससे पहले जो कुछ किया मेरे साथ, मैं वो भूलना चाहता हूँ। कुछ और कहना है? सौगात मुझे दे रहे हो ना, तुम्हें कुछ और कहना है? हाँ मुझे कहना है। मैं वो सुनना नहीं चाहता। सुनना तो पड़ेगा साहिल, क्योंकि इतने साल मैंने तुम्हें सुना है, आज तुम मेरी सुनो। मुझे लगता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे पता है तुम्हें पूछना भाई, इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी चलो, टाइम नहीं है, यहाँ से निकलो। मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना होगा। अगर तुम्हें वापस लौटना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाओगे। साहिल देखो मेरी आंखों में, देखो I don't want to see this. मेरी आंखों
तुम्हें ये तकलीफ देखो जो तुम्हारी वजह से आ जाई हुई है, तुम्हें इस पे तरस नहीं आ रहा? साहिल तुम इतने पत्थर दिल नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो मेरे? इधर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें एक डिस्प्रिन और एक पैनाडॉल की जरूरत है। अरे अरे लड़की क्या बात है, वेलकम टू द ग्रैंड शो। फाइनली मारिया ने इस बार पूरी कोशिश की और मैं इसकी लाज से गुजर नहीं वाला था, तो मेरे को शो रोक दो। अरे वेरी गुड, आज जज्बा जुनून किधर था आपका? खुद सुनना, रिकॉर्डिंग जो सुनोगे अंदाजा हो जाएगा। वेरी गुड कंट्रीब्यूशन मारी हमेशा आप लोग टॉपर्स में से। बाकी ये सारे के सारे जिनका हम नाम ले रहे थे, ये वो लोग हैं जो कहा कि यहाँ पे टॉप लीड करते हैं। पर आज बहुत से और नए ऐसे आपने सुना एक्ट्रेस आए जो ना की एक्टिंग की, बड़ी कमाल की है, बहुत कमाल की। और थैंक यू सो मच कंट्रीब्यूट करने का इस शो के अंदर। और लोगों से सही से वोट लेना, आप देखिए आप 12 बजे कॉल कर, आप बोलो ना, आप बोलो बोलो जरा, मुझे वोट चाहिए। हाँ, बोलो आवाज दो। हाँ, मुझे वोट दो। हाँ, मुझे वोट तो लिस्टनर्स, लेकिन देखिए अब ये तो आपके, देखिए 12 बजे कॉल पर ईमानदारी से दो, 50 पे कॉल बंद कर दीजिए, उसके बाद वोटिंग कीजिएगा 5 मिनट। डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने का। ओके, मारे खुश रहो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोई है क्या? जल्दी बोलिए, जल्दी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सोलत बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? अरवाल से बात कर रही हूँ। सोलत जी, कैसी हैं आप? आपने पहले भी शायद कॉल की थी अभी? जी बिल्कुल। तो कॉल कट गई थी, काट दी थी? इतनी दफा मिलाई तो फिर ब्रेक हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नरवाल से बात कर रही है ना? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओह माय गॉड, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो है बोल रहे हैं। ये देखिए, दोबारा कॉल करें लेडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं निम्रा बात कर रही हूँ, गुजरहान से। हाय निम्रा, कैसी हो? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अपनी मुझे बताओ कि क्यूट सी आवाज में आज क्या करने वाली हो आप? आप बताएं। आप क्या करने आई हो? क्या करने आई हो, लाइक एक्टिंग में? फनी या सीरियस? जी? फनी करने आई हो या सीरियस? फनी करने आई। ठीक हो गया, मैं आपके घर हम जा रहे हैं, आपको घर अकेला छोड़ के जा रहे हैं, और आपने कुछ ऐसी उल्टी हरकत की थी, बस आपको घर अकेला छोड़ के जा रहे हैं, बस आपने जिद करनी है कि मुझे तो लेके नहीं जाते, मुझे अपने साथ जहाँ भी जाते अकेले चले, समझ गई हो ना? वो एक स्टाइल होता है। तो हम घर से बाहर जा रहे हैं और आपको घर में अकेला छोड़ के जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने में आपको साथ लेके जाए, ठीक है? चलो 3 2 1 गो। हाँ, तुम घर बैठो और हम जा रहे हैं, हम आते हैं, ठीक है? नहीं भाई, मुझे भी साथ लेके चलें। बेटा तुम घर बैठो और हमें जाना है, घर का ध्यान रखना, हर चीज अपने साथ, और रात को आटा गूंथ के सो जाना और ये सब चीजें करना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी ले चले साथ। मैंने बोला है कि हम जा रहे हैं किसी काम से, आपको नहीं लेके जाना बेटा, आप घर बैठो। मैं आपके हाथ पैर पकड़ोगी तो मैं तुम्हें साथ ही ले जाऊंगा। देखो आपने मुझे राजी कर लिया, सो स्वीट। ऐसे हाथ पैर पकड़ के कोई राजी होता है क्या? थैंक यू सो मच कॉल करने, आप बहुत स्वीट है और बहुत क्यूट है, हमेशा खुश रहिएगा, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच, वालेकुम सलाम, खुश रहना, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, कोई है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सहूलत बात कर रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का मिल गई। सहूलत, ये सहूलत कार बन गई हो, किधर जा रही हो क्या? बस वो कटी जा रही, सिग्नल ही नहीं आ रही, इतनी मैंने दुआएं की एक पास मिल जाए एक बार। अल्लाह हू अकबर, आपकी दुआ पूरी हो गई, अरे मुबारक हो, शुक्र। तो क्या करोगी? पहले तो मैं कहूंगी आपका शो इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा शो है, रेडियो का तो हम बिल्कुल भूल चुके थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था रेडियो भी है, हम बस मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, यही है सिर्फ हमारी जिंदगी में। लेकिन फिर बोलती जाओ शो में बहुत अच्छा आपका, मतलब की रेडियो आज आप कैसे होने देंगे रेडियो में, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर, नहीं मुझे लफ्जों में बयान करो, आज यही एक्टिंग होगी तुम्हारे लिए। क्या नहीं, कोई और टॉपिक देना मुझे, मैं करूंगी। अच्छा, तो आपने कैसे रेडियो को सुना, लाइक इत्तेफाक से सुना या किसी ने बताया?
नहीं इत्तेफाक से सुना, मेरे भाई ने लगाया था रिहान ने इत्तेफाक, इतना मतलब कि मुझे फैसल का शो लगा हुआ था, फैसल इरफान का। उसके बाद मुझे एफएम 101 का मतलब कि हर शो, हत्ता तक कि क्रिकेट भी मतलब सुनती हूँ ना, हर एक मुझे पता है क्या टाइमिंग है, ये कौन सा वक्त लगना है, क्या कौन सा हर जगह। पहले तो आपकी अब टाइमिंग का बहुत इशू रहा है। अच्छा वो भी पता है, वाह भाई वाह, कमाल है जी, आपको तो सब पता है फिर। हाँ चलो फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं सूरत, आपने मुझे रॉन्ग कॉल की है, रॉन्ग कॉल करके आप किसी और से बात करना चाह रहे थे, आपको मेरी आवाज पसंद आ गया, आप मुझसे बात करना चाह रही हो, इसको जरा करते हैं एलाबोरेट, डन। आप किसी और से बात करनी थी अचानक से, तो मैंने आपसे बात करनी है तो मुझे आपकी आवाज पसंद आ गई, अब आपने कोशिश करनी है कि मैं कॉल ना काटूं और आपसे बात करूं। हाँ यही कहा मैंने, किधर चली तो नहीं गई। लो भाई आवाज कट गई इसकी, हेलो हेलो जी, आवाज ब्रेक हो रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? मैं बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तो सीएस मोड में आए हैं सर, सब खैरियत से? ठीक अल्लाह का शुक्र। अच्छा ग्रेट सर, क्या क्या एक्टिंग करना चाहेंगे सर शो में? एक्टिंग ये कि आप मेरी गर्लफ्रेंड और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड सर, मैं ऐसा करता हूँ कि इस कहानी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और मैं उल्टा डालने लगा था पर चले माफ कर देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि कुछ और आपके जहन में आइडिया है क्या, कुछ सस्ता और जल्दी? नथिंग, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप लोग हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं 051-111-000-101, और साथ में कुछ मैसेज भी शामिल करना चाहूंगा जो कि हमारे साथ आ रहे हैं फ्रॉम फेसबुक FM 101, और साथ में 447 की तमाम मैसेज को मैं वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो खामोश, पता नहीं क्यों रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई है क्या? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? कौन कहां से बात कर रहे हैं? कौन जी? जी कैसी हैं आप सिद्रा साहबा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप शो में शामिल होना चाहेंगी? आपकी आवाज बिल्कुल बहुत पीछे से आ रही है, थोड़ा सा उठ के बोले। जी अब आ रही है, मुझे बताइए क्या क्या एक्टिंग करना चाहेंगी आप? मैं बताऊं क्या, सीरियस करेंगी या फनी? मैडम आपकी आवाज बहुत बे, प्लीज आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? सर आपकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कौन कहां से बात कर रहे हैं? जनाब मलिक यासीन चकवाल। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे आप, क्या एक्टिंग करना चाहेंगे? सर बाप और बेटी। अरे वाह सर, तो आप ऐसे करें कि क्या उसमें क्या एक्ट करना चाहेंगे, क्या फीलिंग लाना चाहेंगे? मैं ये एक्ट, ये एक अच्छा मैसेज होगा कि आप बेटे हैं पर मैं आपका बाप हूँ। ठीक है, आप मुझे अपना जो अपना आजकल का ये दौर चल रहा है, किसी लड़की के चक्कर में आप घर छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे करते हैं। हाँ, इसको थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं। आप एक शख्स हैं जो मुझे कहीं मिले हैं, और मैं ऐसी लड़की किसी, और आप मुझे ऐसा इस्लाही तौर पे गाइड कर रहे हैं, पर वो गाइडेंस सिर्फ एक से डेढ़ मिनट की होनी चाहिए क्योंकि टाइम शो का खत्म हो चुका है। जी सर ठीक है, ठीक हो गया, एक से डेढ़ मिनट के, तो हम मैं एक रैंडम पर्सन हूँ और आपने मुझे ये सब बातें बतानी है। सो 3-2-1 जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? जी सर मैं बेहतर हूँ, आप बताइए आप कैसे? बेटा आपके जो बाप हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो उनकी आप काफी देर से अपना घर से गायब हैं, तो घर जब आते भी हैं तो आप मुझे बुझे से रहते हैं। बेटा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो मैं जैसे समझ लो कि मैं आपका दोस्त हूँ, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं नथिंग अंकल, बस वैसे थोड़ी सी तबीयत अनकंफर्टेबल रहती है, तो इस वजह से बस। नहीं बच्चे देखो ना कि हमने भी जवानी देखी है, हमने जमाना देखा है, तो ठीक है तबीयत खराब होना, हमने पाला है, आपको पैदा किया है, हम आपकी हर एक चीज से वाकिफ हैं, आप जैसे भी जितनी भी बातें छुपाएंगे हम आपको पहचानते हैं। मैं प्यार करता हूं तो इसलिए बस थोड़ा सा घर वाले राजी नहीं हो रहे उससे शादी करने के लिए, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो फिर बेटा हम आपके घर वाले हैं, आप हमारे बच्चे हैं,
तो क्या हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं? हमें नहीं आप बता सकते हैं कि हम आपका रिश्ता लेकर जाएं, एक अच्छे होने का आपका सबूत दें कि हमारा बेटा अच्छा है और हम आपका रिश्ता लेने के लिए वहां पर जाएं, और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। हम देखें तो सही कि अपनी बेटी जो बहू हम ब्याह के लेके आ रहे हैं वो कैसे घराने वाले लोग हैं, वो कैसे अपना पर्सन है, और हमें उनकी शख्सियत देखनी चाहिए। अंकल सॉरी, बस मैं ये सब ट्राई कर चुका हूँ और मेरे फैमिली वाले इन सब चीजों को जानने के बाद जिद लगा के बैठे हैं कि उन्होंने मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं करना, तो काइंडली आप मेरी जगह मेरे अब्बू को समझाइए। फिर आप क्या फैसला करना चाह रहे हैं? मैं ये फैसला करना चाह रहा हूँ कि अगली कॉल लेते हैं। अंकल जी वेरी गुड, अंकल जी आपने तो लिटरली लग रहा था अकेले सामने बैठे नहीं होता बंदा, क्या बात है सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप जैसे बड़े लोग अगर आते रहेंगे तो सच में हमारी सलाह होती रहेगी, और बहुत शुक्रिया मेरी सलाह करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, खुश रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? जी उष्णा। उष्णा कैसी हो आप? शुक्र अल्लाह का शुक्र। उष्णा आपकी वालदा क्या पता लगा था ना, वेरी फीलिंग बैड, आप वही उष्णा है ना? अल्लाह ताला आपकी वालदा को जो है हमेशा सलामत रखे और वहाँ उस दुनिया में सलामत रखे, और तमाम जो हम सब की जो दुआएं हैं वो हमेशा आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ रहेंगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे जब पता लगा तो मैंने फाइनली सोचा कि आपसे बात हो और फाइनली आप आ गई, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, और अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। हाँ, और रिवाइव करो और कोशिश करो कि अपने आप को हिम्मत दो, जहाँ हमारी जरूरत होगी हम बिंग एन आर्जी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी आपने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए और अच्छा करेगा, और बड़ी सी डॉक्टर बन के ना फिर हमारा इलाज करना, ठीक है? तो मुस्कुरा के दिखाओ, मुस्कुराते कैसे, मैं भूल गया, मुझे मुस्कुराना सिखाओगी क्या? मुस्कुराते कैसे? ऐसे करके ना, ठीक है? हाँ, हंसती रहना, मुस्कुराती रहना, ठीक है? और मेरे शो में आती रहना हमेशा जब दिल करे, ठीक है? खुश रहना, अपना ध्यान रखना, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अदनान बात करो, मंडी भाव दिन सोसाइटी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान भी कैसे हैं? बड़ी जल्दी जल्दी में लग रहे हैं माशाल्लाह आज, लगता है आपको पता है सच में कि शो का टाइम खत्म हो चुका है। शो बहुत अच्छा जा रहा है, टाइम खत्म नहीं चाहिए, अभी तो पार्टी शुरू ही है यार। काश मैं ये कह सकता पर अभी पार्टी खत्म हो गई है सर, सच में शो खत्म हो गया। थोड़ी सी एक्टिंग तो बनती है मेरे भाई, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली यार। अरे सर एक्टिंग कीजिए ना, मुझे लगता है आपने पहली एक्टिंग कर दी है, बाकी ग्रेवी देनी है, दीजिए ना सर, क्या लेकर आए माइंड में? नहीं आप बताएं, जो स्क्रिप्ट देंगे परफॉर्म किया जाएगा, बंदा ना चीज कोशिश करेगा। अच्छा अदनान भाई, स्क्रिप्ट यही है कि मैं किसी टेंशन में और मुझे आसानी की कोशिश करनी है, और ऊंट उठा करके देखा नहीं, समझाना नहीं है, आसाना है, समझाना नहीं है, आसान है, ठीक है? मैं मूड ऑफ है, बस एवं फजूल करके करनी है, बस मुझे आसान है किस तरह से। ठीक है, थ्री जो आपने पहले किया आसानी कोशिश की, इस तरह से 3-2-1 एक्शन। अरे भाई यार साहिल कैसे है यार, तेरे से क्या हो गया? ये देख यार, ये देख, तेरे लिए पापड़ में क्यों यार? साहिल देख ना यार, साहिल यार हुआ तो करने यार, साहिल क्या है, मुड़ क्यों यार, बताइए देख। हाँ साहिल सर क्या बात है आज यार, मैं क्या बात, अरे सर ये कहाँ से, अरे क्या बात है राज भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या साहिल अगले शो में कोर्स दे रही यार। हाँ जी ये हो कैसे सकता है, आई वोंट बिलीव मैन, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स और एक्टर्स आज के शो में, थैंक यू वेरी मच तमाम लोगों का इस टाइम हमारे साथ परफॉर्म करने का। और फाइनली हु इज द विनर, द
मेरी तरफ से हर शो का विनर हर कोई होता है, बट स्टिल देख लेते हैं कि आज वोटिंग जो है वो कहां किस तरफ जो है टेंड कर रही है, और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और हमारे साथ और कौन कौन मौजूद है। तमाम लोगों के मैसेज पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे अच्छे तरीके से, जो जो उन्होंने सब किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के और भी बहुत से शोज मैं आप लोगों की लाता रहूंगा इंशाल्लाह। एक दिन छोड़ना ही था तो अडॉप्ट, क्योंकि अरिफ गुल साहब जो है प्रॉपर इमोशनल होकर फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक दिया किस किस ने किस किस को जिताया। सबसे अच्छी एक्टिंग तो आपकी मित्र से 100 मार्क जमाल, मैं जीत गया क्या दिए इस्लामाबाद। उसके बाद जी शाहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं शो को। देन वी हैव अनाया, इनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत उम्मीद से मैसेज किए अनाया जट साहब जी। मैंने मैसेज जो जो पढ़ सकता था पढ़ लिया, कोई नीचे रह गया उसकी मुझे माफ कर दीजिएगा। अब कहानी सिर्फ इतनी सी कहना चाहता हूँ कि अरे जनाब जी, शो का टाइम जो है ना वो खत्म हो गया। मेरी नजर में ना हर कोई जिसने परफॉर्म किया वो जीत गया, और ये सब जीत जो है ना मैं आप तमाम लोगों के सरों पे ताज की शक्ल में रखने जा रहा हूं। ये लीजिए जी। You all guys did a great job. हर एक ने फनी से लेकर सीरियस पन तक जिसने जो परफॉर्म किया, that was just epic, just epic. I'm sorry, मैं उस तरह से जो अनाउंसमेंट मेरी नजर में हर कोई बहुत अच्छे, एक वोट आ गया मारिया के लिए जवाद इस्लामाबाद से, इनका बहुत शुक्रिया कि हमें बताने का कि फाइनली हु इज द विनर। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो, इट्स बीइंग अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू परफॉर्म यू ऑल। शादी शो करने की हिम्मत मेरे में नहीं थी, आज स्टिल आ गई क्योंकि आप लोग आके मुझे जगा दिया, मेरे अंदर की हिम्मत को बढ़ा दिया। एंड अच्छा लगता है जब आप लोगों से आके बात की जाती है इसमें से। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंगल को रात 10 से 12। ये पूरा हफ्ता मेरे बगैर गुजारी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह आपकी जिंदगी को खुशियां से भर दे, और कहीं मत जाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं सोचने से नहीं याद करने से आता हूँ, फीलिंग्स को फ्रूटफुल रखिएगा। जितना ज्यादा ये सब चीजें करते रहेंगे उतना ही ज्यादा जिंदगी आपसे मोहब्बत कर लग जाएगी। आइए जिंदगी को मोहब्बत बैक करते हैं, उसको एक्शन रिएक्शन पे लेके जाते। एंड यू ऑल गाइस डिड वेरी वेल, रियली मींस अ लॉट। जिस शख्स ने, जिस लड़की लड़के ने कॉल की, सब लोगों ने कमाल कर दिया। कई लोग मुस्कुराए होंगे, कई लोग बहक गए होंगे, कई लोग क्या क्या, मतलब एवरीबॉडी इज हैप्पी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह आपको मुलाकात होगी अब मंगल की रात को। और इस आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, इमोशनल हो जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम है जब आपके बगैर गुजारना है, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। सो एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से माय पोइट्री जो मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ सबको याद हो जाए। सो लेट मी जस्ट से दैट थिंग फॉर यू ऑल। चेहरा इश्क मैं मुखातिब हूँ तुझसे, लेट मी जस्ट चेंज द बैकग्राउंड सो दैट आई कैन गिव यू द बैरो किक। चेहरा इश्क मैं मुखातिब हूँ तुझसे, हाल क्या मेरा ये तू पूछना मुझसे। निछावर कर दें जहां की खुशियां तुझ पे, अब ये हकीकत मेरी सांस है तुझसे। चेहरा इश्क मैं मुखातिब हूं तुझसे। सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक विद एफएम 101, कहीं मत जाइएगा बिकॉज आई एम लिविंग राइट नाउ। सो स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहें, आवाज रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जिंदगी में लोगों को टेंशन नहीं, खुशियां बांटते रहें। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आवाज रहेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंगल को। सो टेक केयर, बाय बाय, जाऊं। सो मे आई गो, लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 2 1 साहिल बोल रहे हैं आप लोगों ने, हम और आखिर में ये गाना आपके लिए छोड़ के जाऊंगा जो मेरे लव्स बयान करता है आपको। सो 3 2 1 से, लेट मी जस्ट गो, 3
3, 2, 1 अगेन करते हैं, लंबा टाइम है ना थोड़ा सा. 3, 2, 1 से मायने से साहिल. अरे हम सद के तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सद के तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सद के हरे हम सद के तुम्हारे, हरे हम सद के तुम्हारे. इश्क दिल के दर पे क्यों आया था, हाँ आया था इश्क आया था, सो हम नजर उतारे, हरे हम सद के तुम्हारे, हरे हम सद के तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सद के तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सद के हरे हम सद के तुम्हारे, हरे हम सद के तुम्हारे. देवो इश्क मुबारक